हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे हैं, आप तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, मैं सीएपीएस बनीवाल आप सबका इस एक अमेजिंग वीडियो में वेलकम करता हूं, जिसमें मैं आप लोगों को सीए फाइनल एफआर के बोर्ड ऑफ स्टडी के पोर्टल पे जितने भी आपके एमसीक्यू हैं सारे सारे कवर कराऊंगा। हम लोग क्या कवर करेंगे सर? सीए फाइनल एफआर के बोर्ड ऑफ स्टडी के पोर्टल पे जितने भी एमसीक्यू हैं सारे के सारे कवर करेंगे। एक बात और, मैं सीए फाइनल एफआर के लिए ना बड़ी सारी वीडियो इसी चैनल पर लेके आने वाला हूँ। आपने क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो का लिंक सब दोस्तों का शेयर करना और वीडियो को लाइक करना है। सर, हमें ये फाइल कहाँ पे मिलेगी? मैं आपको बता दूँ, ये फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल पे ना मैं बड़े सारी सर जो इंपॉर्टेंट फाइल है वो शेयर करता रहता हूँ, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और इसका लिंक अपने सब दोस्तों का शेयर कर देंगे। पेज नंबर 2 पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे मैंने इंडेक्स दे रखा है। और सर, इसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में सर ये इंडेक्स है, इसी ऑर्डर में हम लोग क्या करेंगे सर? एमसीक्यू कवर करेंगे। पेज नंबर 3 पे सर आपका इंडेक्स है, पेज नंबर 4 पे सर अपना एमसीक्यू स्टार्ट होते हैं इंडिया 16 के साथ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। ए लिमिटेड हैज स्टॉप्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन इन इट्स प्लांट फॉर 3 मंथ इन ए ईयर एंडेड 31 मार्च X1। सर ए ने क्या किया सर? मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन स्टॉप कर दिया है अपने प्लांट में 3 महीने के लिए, ईयर एंडेड, ठीक जी सर, 31 मार्च X1। देखिए, डेप्रिसिएशन लगना कब बंद होगा? जब हम असेट को क्या करते हैं सर? हेल्थ फॉर सेल रख देते हैं एज पर आपका इंडेस 105, या फिर सर जो असेट की एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है वो सर कैरिंग अमाउंट के कंपैरिजन में बराबरी है, उससे ज्यादा है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर असेट जो है ना एक्टिव यूज, अगर उसका बंद हो जाता है, असेट रिटायर्ड हो जाती है, बट हम उसे हेल्थ फॉर सेल नहीं रखते, तो सर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कंटिन्यू रहता है, एक्सेप्ट टू केस सर जहां पे असेट फुली डेप्रिसिएट हो चुकी है, या फिर सर प्रोडक्शन ऑफ यूनिट मेथड। अगर प्रोडक्शन ऑफ यूनिट मेथड, उस केस में सर क्या होगा, उस टाइम पीरियड के दौरान सर निल डेप्रिसिएशन आएगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि डेप्रिसिएशन लगना बंद हो जाएगा। मैं फिर से बता देता हूं, रिटायर्ड असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन कंटिन्यू रहता है एक्सेप्ट टू केसेस सर जहां पे असेट जो है फुली डेप्रिसिएट हो चुकी है, या सर प्रोडक्शन ऑफ यूनिट मेथड है। अगर प्रोडक्शन ऑफ यूनिट मेथड, तो सर आपका निल डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक जी सर, लेकिन डेप्रिसिएशन लगना बंद नहीं होगा। सर डेप्रिसिएशन लगना कब बंद होगा? जब सर हम असेट को हेल्ड फॉर सेल रख देते हैं सर एज पर आपका इंडेक्स 105, या फिर सर जो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है वो सर इन कंपैरिजन टू कैरिंग अमाउंट ज्यादा है या इक्वल है, ठीक जी सर। हाउ शुड ए लिमिटेड अकाउंट फॉर डेप्रिसिएशन रिलेटिंग टू 3 मंथ इन विच प्लांट वाज आइडल अंडर इंडेस 16। सर हम लोग क्या करेंगे, 3 मंथ का डेप्रिसिएशन सर उसके ऊपर चार्ज करेंगे पीएनएल अकाउंट के अंदर, ठीक जी सर। नो डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज, नो। डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ इन विच प्लांट वाज आइडल शुड बी रिकॉग्नाइज इन ओसीआई, नो। डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ इन विच प्लांट वाज आइडल शुड बी रिकॉग्नाइज इन रिटेंड अर्निंग, नो। डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ इन विच प्लांट वाज आइडल शुड बी रिकॉग्नाइज इन पीएनएल अकाउंट, सर ऑप्शन डी आ गया। अंडर इंडिया 16 विच टू सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आर अलाउड सब्सिक्वेंटली टू इनिशियल रिकॉग्निशन। देखिए सर, इनिशियली हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को सर कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं, सब्सिक्वेंटली सर आइदर कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल, ठीक जी सर। आपका सर यहां पे ऑप्शन है कॉस्ट मॉडल एंड रिवैल्यूएशन मॉडल, सर ऑप्शन बी आ गया, ठीक जी सर। विच ऑफ दीज एन अलाउएबल कॉस्ट ऑफ एन असेट फॉर कैपिटलाइजेशन अंडर इंडिया 16, सर इंडिया 16 में सर कैपिटलाइजेशन के लिए कौन सी कॉस्ट है? सर प्रोफेशनल फी सर बिल्कुल आ जाएगा, जनरल ओवरहेड बिल्कुल भी नहीं आएंगे, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस सर बिल्कुल भी नहीं आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ठीक जी सर। व्हेन द रिवैल्यूएशन मॉडल इज यूज्ड फॉर पीपी द गेन ऑन रिवैल्यूएशन शुड बी ट्रीटेड एज, सर आपका गेन फ्रॉम रिवैल्यूएशन आ जाएगा सर आपका ओसीआई में चला जाएगा, कहां चला जाएगा सर? ओसीआई में। रिवैल्यूएशन सरप्लस इन अकाउंटेड इन ओसीआई, ऑप्शन सी आ गया। व्हेन एन असेट इज सोल्ड और डिस्पोज्ड ऑफ वेयर द गेन और लॉस रिकॉग्नाइज, सर पीएनएल अकाउंट के अंदर जब सर हम लोग क्या करते हैं, असेट को सर सेल करते हैं, डिस्पोज करते हैं, तो कैरिंग अमाउंट और सेल प्रोसीड का जो भी डिफरेंस होगा सर हम कहां लेके जाते हैं, पीएनएल अकाउंट के अंदर, ठीक जी सर। इफ वन लार्ज असेट हैज ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट, सर एक असेट है उसके बड़े सारे कंपोनेंट है, ठीक जी सर, विद डिफरेंट यूजफुल लाइफ, हाउ शुड दिस बी डेप्रिसिएटेड, हम लोग क्या करेंगे सर कंपोनेंट बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ट्रीट एज वन असेट एंड डेप्रिसिएट इन अकॉर्डेंस विद हाईएस्ट यूजफुल लाइफ ऑफ द कंपोनेंट, नो। ब्रेक डाउन इंटू डिफरेंट कंपोनेंट एंड डेप्रिशिएट एवरी कंपोनेंट सेपरेटली एज पर द यूजफुल लाइफ ऑफ द दैट कंपोनेंट, बिल्कुल ठीक है सर, आपका ऑप्शन बी आ गया। अंडर इंडिया 16 हाउ ऑफन शुड द यूजफुल लाइफ ऑफ एन असेट बी रिव्यूड, सर इंडिया 16 के अकॉर्डिंग हम लोग यूजफुल लाइफ को सर कैसे रिव्यू करेंगे, एटलीस्ट एट ईच फाइनेंशियल ईयर एंड, बिल्कुल ठीक है सर, हम हर ईयर एंड पे क्या करेंगे सर यूजफुल लाइफ का एस्टिमेट लगाएंगे, ठीक है, मतलब उसे रिव्यू करेंगे। वेन इट इज दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएट विद एन एसेट विल फ्लो टू द एंटिटी एंड द कॉस्ट ऑफ द एसेट कैन बी मेजर्ड, इट शुड बी रिकॉग्नाइज, सर आपका प्रोबेबल एंड रिलायबल होता है, प्रोबेबल एंड रिलायबल, सर आपका ऑप्शन सी आ गया, ठीक जी सर। चलिए, प्रोग्रेस लिमिटेड चूज टू रिवैल्यू प्रॉपर्टी अंडर इंडिया 16, ठीक है सर, मतलब रिवैल्यूएशन मॉडल
एंटिटी ने अडॉप्ट किया है। ऑन 31 मार्च एक्स वन देयर हेड ऑफिस बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 30 लाख। सर जो हेड ऑफिस की बिल्डिंग है सर वो आपका 30 लाख पे वैल्यू हुई है। कब? 31 मार्च एक्स वन को। वेन इट इज रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट हिस्टोरिकल कॉस्ट 25 लाख था, ठीक है, विथ 4.5 लाख ऑफ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज अगेंस्ट इट। ओके, जब सर आपने वैल्यू किया ना उस टाइम पे सर हिस्टोरिकल कॉस्ट 25 लाख थी, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट, और डेप्रिसिएशन उसके ऊपर 4.5 था, तो 20.5 सर आपका क्या आ गया? सर ये आपका कैरिंग अमाउंट आ गया। ठीक जी सर। Which of the following statement is true regarding the accounting treatment of the property? तो सर आप क्या करेंगे यहाँ पे, इसे जब revalue करेंगे तो revaluation gain आ गया 9.5 लाख। हम लोग क्या करेंगे सर, other comprehensive income में लेके चले जाएंगे। ठीक जी सर। अगर revaluation loss होता तो हम क्या करते हैं, P&L account में charge करते हैं। A revaluation gain of 5 लाख should be recorded through OCI grouped with, सर 5 लाख नहीं 9.5 लाख आएगा, ऑप्शन ए वैसे नहीं है। A revaluation gain, सर नहीं, A revaluation gain 9.5 lakh should be recorded through other comprehensive income grouped with other item that will not subsequently to reclassify to profit or loss। देखिए सर जो other comprehensive income है ना उसके दो पार्ट होते हैं, एक सर आपका वो आइटम आते हैं जो एक ना एक दिन पिंडल अकाउंट के थ्रू रूट होंगी, और एक सर वो आइटम आते हैं जो पिंडल अकाउंट के थ्रू कभी रूट नहीं होगी। सर जो आपका रिवेल्यूशन सरप्लस है वो OCI के उस आइटम आता है जो कभी पिंडल अकाउंट में रूट नहीं होगा, तो नोट वाला आ जाएगा सर, नोट सब्सिक्वेंटली बी रिक्लासीफाई टू प्रॉफिट और लॉस, ऑप्शन सी आ गया। इंडिया टर्निंग लिमिटेड हैज अडॉप्ट रिवेल्यूशन मॉडल एज पर इंडेस, ठीक है, सिंस 1 अप्रैल X1 टू मेजर इट्स प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट एंड हैव रिवैल्यूड इट एज फॉलो। सर और ऐसे करके उसे क्या कर रही है सर, रिवैल्यू कर रही है। ठीक जी सर। 1 अप्रैल X1 को प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट से रिवैल्यू की अपवर्ड 3 लाख, तो OCI में बैलेंस चला जाएगा। एज ऑन 31 मार्च 20 मतलब X2 PP हैज बिन रिवैल्यूड डाउन बाई 360। तो सर यहाँ पे लॉस है तो आप क्या करेंगे, देखिए अगर ऑलरेडी गेन है और अब लॉस है तो हम लोग पहले क्या करेंगे सर, जो अब लॉस है उसे ऑलरेडी गेन के साथ एडजस्ट करेंगे। तो सर 63 लाख तो सर यहाँ पर एडजस्ट हो गया, और बैलेंस 60,000 कहाँ जाएगा सर, आपका P&L अकाउंट में। सर दोबारा बताओ, देखिए आज लॉस है पहले गेन है, तो टू द एक्सटेंट ऑफ अर्लियर गेन हम लोग लॉस को क्या करेंगे सर, उस गेन के साथ एडजस्ट करेंगे, और बैलेंस सर लॉस को क्या करेंगे सर, P&L अकाउंट के अंदर चार्ज कर लेंगे। ठीक जी सर। तो ये P&L अकाउंट के अंदर चार्ज हो जाएगा। 31 मार्च X3 को सर क्या होगा, PP को रिवैल्यू कर दिया सर अप बाई 5 लाख से। तो सर ये देखिए अगर ऑलरेडी लॉस है और आज गेन है, हम क्या करेंगे सर, टू द एक्सटेंट ऑफ अर्लियर लॉस हम लोग ये मान के चलेंगे सर उस लॉस की रिकवरी होगी, तो क्या करेंगे सर, गेन को P&L अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे 60,000 से, बिल्कुल ठीक है। और सर बैलेंस जो 440 सर उसे हम कहां पे लेके जाएंगे, OCI के अंदर लेके जाएंगे। ठीक जी सर। 5 लाख इज क्रेडिटेड, नो, 60,000 इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिल्कुल ठीक है सर, एंड 440 इज क्रेडिटेड टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, इसके बाद हम चलते हैं इंड एस 23 पे। द कैपिटलाइजेशन रेट इज, देखिए सर एज पर इंड एस 23 सर जो हम लोग कैपिटलाइजेशन रेट निकालते हैं ना वो हमेशा सर जनरल बोरोइंग का निकालते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक बोरोइंग के केस में हम लोग क्या करते हैं सर, जिस डेट पे कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन की कंडीशन फुलफिल हो जाती है उस डेट से हम क्या करते हैं सर, एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट एज रिड्यूस्ड बाय टेंपरेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। ठीक जी सर। द कैपिटलाइजेशन रेट इज द वेटेड एवरेज ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट एप्लीकेबल टू ऑल द जनरल बोरोइंग ऑफ द एंटिटी दैट आर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड, बिल्कुल ठीक है सर, ऑप्शन ए आ गया, जनरल आ गया ना। जी सर। स्पेसिफिक जनरल लिखा, नो, स्पेसिफिक लिखा नो, जनरल ओनली दैट आर यूज ड्यूरिंग द पीरियड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वालिफाइड असेट, नो। सर ये देखिए ये आ गया अपना। क्वेश्चन टू, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, सर इसमें से बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज किसको मान के चलेंगे, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, नो, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंटरी इन लार्ज क्वांटिटी ऑन रिपीटेटिव बेसिस, नो, सर इसको अलग से एक्सक्लूड कर रखा है, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग यूटिलाइज टू एक्वायर बायोलॉजिकल असेट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, नो, डिविडेंड पेड ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस यूज टू फाइंड द टू फंड द डेवलपमेंट ऑफ ए क्वालिफाइड असेट, सर आपका ऑप्शन डी आ गया, क्योंकि सर प्रेफरेंस शेयर जो रिडीमेबल है वो अपने लिए क्या बन गया, डेट बन गया, तो उसके ऊपर सर जो भी हम बोरिंग कॉस्ट चार्ज करते हैं सर वो आपका बोरिंग कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। ठीक, अगर वो इन रिलेशन टू क्वालिफाइड असेट है। बोरिंग कॉस्ट डू नॉट इंक्लूड, सर बोरिंग कॉस्ट में क्या नहीं आएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंसिस कैलकुलेटेड यूजिंग द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, सर बिल्कुल आएगा, इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ आपका लीज लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज इन अकॉर्डेंस विद इंड एस 116, सर बिल्कुल आएगा, एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी बोरिंग टू द एक्सटेंट दे आर रिगार्डेड एज एन एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट कॉस्ट, सर बिल्कुल आएगा। इसने पूछा कि बोरिंग कॉस्ट में क्या नहीं आएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंसिस ऑन ओन फाइनेंस रिसोर्स और इंटरेस्ट नोशनल एक्सपेंसिस, बिल्कुल भी नहीं आएगा सर, क्योंकि हम लोग नोशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सर बोरिंग कॉस्ट का पार्ट नहीं मान के चलते। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिफाइड एसेट, सर फाइनेंशियल एसेट सर क्वालिफाइड एसेट कभी भी नहीं होती,
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल प्लांट और बियर प्लांट, सर ये आपका क्वालिफाइड सेट हो सकती है। ठीक जी सर। इन केस ऑफ स्पेसिफिक बोरिंग, द बोरिंग कॉस्ट इज कैपिटलाइज्ड टू द एक्सटेंट बोरिंग आर यूटिलाइज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइड सेट, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वालिफाइड सेट, ऑन टोटल अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक बोरिंग फ्रॉम कमेंसमेंट डेट लेस इनकम ऑन टेम्पररी इन्वेस्टमेंट मेड आउट ऑफ सच बोरिंग। सर ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। ठीक जी सर, ऑप्शन सी आ गया जब मैंने इंडेक्स 23 स्टार्ट कराया था। When will the specific boring be considered as general boring? सर जब हम लोग क्या करेंगे, सर देखिए specific boring से जिस asset का मैंने construction करना था सर, उस asset का construction सर आपका complete हो जाता है, मतलब qualified asset सर ready to use हो जाती है, और सर जो specific boring वो repay नहीं होती। ठीक, तो हम उसे general boring consider कर लेते हैं। When substantially all the activity necessary to prepare the qualified asset for which specific boring for its intended use or sale are complete, सर आपका option A आ गया। When activity necessary to prepare the qualified asset for its intended use or sale have been started, no. When substantially all the activity necessary to prepare the qualified asset for its intended use or sale are near to complete, no. Specific boring are never considered as general boring, no. Sir, option A aa gaya. Theek ji sir. What will be the treatment of exchange difference resulting into unrealized gain while capitalizing the borrowing cost on foreign currency borrowing taken for construction of a qualified asset? Dekhiye sir kya hota hai, hum na फॉरेन एक्सचेंज लॉस को कैपिटलाइज करते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ लोकल बोरिंग कॉस्ट इन कंपैरिजन टू द एक्सटेंट ऑफ लोकल बोरिंग कॉस्ट इन एक्सेस टू सर आपका फॉरेन बोरिंग कॉस्ट। मैं दोबारा बोल दूं, हाँ जी सर, हम फॉरेन एक्सचेंज लॉस को कैपिटलाइज करते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ लोकल बोरिंग कॉस्ट इन एक्सेस ऑफ सर फॉरेन बोरिंग कॉस्ट। ठीक जी सर। सर अब जैसे मान लो सर फॉरेन एक्सचेंज लॉस अपना 1 लाख से कैपिटलाइज हो चुका है, ठीक है जी सर, अब सर गेन हो गया है तो हम उस केस में क्या करेंगे सर, टू द एक्सटेंट सर जो हमने लॉस कैपिटलाइज किया है सर उतना गेन से हम क्या करते हैं सर असेट को डीकैपिटलाइज कर देते हैं। ठीक जी सर। इट वुड नॉट बी एडजस्टेड टू इंटरेस्ट इवन इफ देयर वाज एन एडजस्टमेंट, नो। इट वुड बी एडजस्टेड टू द इंटरेस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ अन एडजस्टमेंट ऑफ टू इंटरेस्ट इन द प्रीवियस ईयर ऑन अकाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड एक्सचेंज लॉस ऑन सेटलमेंट और ट्रांसलेशन ऑफ द सेम बोरोइंग। सर आपका ऑप्शन बी आ गया। ठीक जी सर, चले हाँ जी आइए आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, इन डिटरमाइनिंग द बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, सर जब आप बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज का अमाउंट डिटरमाइन कर रहे होंगे, ठीक है जी सर, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ए क्वालिफाइड एसेट आर नॉट रिड्यूस्ड बाय। देखिए सर, इसने पूछा है जब आप बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज का अमाउंट क्या कर रहे होंगे सर, डिटरमाइन कर रहे होंगे, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ए क्वालिफाइड एसेट आर नॉट रिड्यूस्ड बाय, सर जो क्वालिफाइड एसेट के ऊपर आपने एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है उससे आप रिड्यूस नहीं करेंगे, प्रोग्रेस पेमेंट से सर रिड्यूस कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है, ग्रांट रिसीव्ड ऑन कनेक्शन विद द एसेट सर हम इसे रिड्यूस कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है, इनकम ऑन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट ऑफ स्पेसिफिक बोरिंग सर इससे हम रिड्यूस नहीं करते। सर हम रिड्यूस तो करते हैं, देखिए दोस्त स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट को हम रिड्यूस करते हैं टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम से। ठीक जी सर, लेकिन इसने पूछा कि जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, हम अमाउंट एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं सर, जो हमने कैश में पेमेंट की है, इंटरेस्ट बियरिंग लाइबिलिटी है, ठीक जी सर, याद आ गया ना, हाँ जी, तो वहां पे सर जब हम लोग क्या करते हैं, या असेट आपने को ट्रांसफर किया है, ठीक, तो वहां पे सर जो हम लोग अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं तो इनको रिड्यूस कर देते हैं सर, इसको रिड्यूस नहीं करते। इन डिटरमाइनिंग द बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ए क्वालिफाइड एसेट इंक्लूड ओनली दोज एक्सपेंडिचर दैट हैव रिजल्टेड इन पेमेंट ऑफ कैश, बिल्कुल आएगा सर, ट्रांसफर ऑफ अदर एसेट बिल्कुल आएगा, द अजम्पशन ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग लाइबिलिटी सर अभी अभी आपने बताया था, ऑल ऑफ द अबव, मतलब जब मैं आपको एमसीक्यू 8 करा रहा था तो कहीं ना कहीं मैंने एमसीक्यू 9 भी डिस्कस कर ही लिया था। ठीक जी सर, चलिए, अदित लैब्स आर प्लानिंग टू एक्सपेंड देयर बिजनेस, अदित लैब्स सर क्या कर रही हैं सर, बिजनेस को एक्सपेंड करने की प्लान कर रही है, ठीक है जी सर, एंड ओपन टू मोर ब्रांचेज इन द विसिनिटी ऑफ टू न्यू हॉस्पिटल बींग बिल्ट इन द एरिया, ठीक है, द एंटरप्राइज इज यूजिंग फंड फ्रॉम देयर जनरल बोरिंग फॉर दिस एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। ठीक जी सर, द फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज ब्रीफली रीड अबाउट द कैपिटलाइजेशन ऑफ द इंटरेस्ट पेड ऑन द बोरोइंग, ही हैज सॉट यूर क्लैरिफिकेशन ऑन दिस मैटर, इफ हिज एंटिटी कैन कैपिटलाइज इंटरेस्ट ऑफ 10% विच इज द हाइएस्ट इंटरेस्ट रेट ऑफ ऑल द बोरिंग दे हैव मेड ड्यूरिंग द ईयर। वो ये कह रहा है कि सर हमें क्लैरिफिकेशन दीजिए कि एंटिटी जो है ना वो कैपिटलाइज कर रही है इंटरेस्ट 10% से, जो कि हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है जो उसने बोरोइंग की है, हम सर कभी भी हाईएस्ट रेट नहीं लेते, हम लोग बल्कि क्या करते हैं कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करते हैं। ठीक जी सर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बोरोइंग मेड बाय अ कंपनी एज पर इंडेक्स 23 बोरोइंग कॉस्ट, फाइनेंस डायरेक्टर इज राइट, नो, कैपिटलाइजेशन रेट शुड बी वेटेड एवरेज ऑफ द ऑल बोरोइंग कॉस्ट एप्लीकेबल टू द बोरोइंग ऑफ द एंटरप्राइज दैट आर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड, सर ये आ जाएगा,
अदर देन बोरिंग मेड स्पेसिफिकली फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग अ क्वालिफाइड सेट, बिल्कुल ठीक है. इंटरेस्ट पेड ऑन जनरल बोरिंग हैव टू बी कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस टू आईसीडीएस, नो. एंड इट शुड यूज द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट, नो. सर आपका ऑप्शन बी आ गया, इंडेस 38. एंड इंटेंजिबल सेट विद ए फाइनाइट यूजफुल लाइफ शुड बी एमोर्टाइज्ड ओवर, सर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ के हिसाब से, ऑप्शन ए. ठीक जी सर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड विद इन द स्कोप ऑफ इंडेस 38. सर इंडेस 38 में सर यहां पे कौन सा कवर नहीं है? इंटेंजिबल सेट हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, सर ये आपका कवर नहीं है. असेट अराइजिंग फ्रॉम एम्प्लॉय बेनिफिट, सर ये कवर नहीं है. नॉन करंट असेट, इंटेंजिबल सेट हेल्ड फॉर सेल, सर कवर नहीं है. सर आपका ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा. ठीक जी सर. A newly set up .com entity has recently completed one of its highly publicized research and development project. ठीक है. It seek your advice on the accuracy of the following statement made by one of its stakeholder. State which one is true? सर आपने बताना इसमें से सर कौन सी statement true है. Cost incurred during the research phase can be capitalized. No sir, ये true नहीं है. Cost incurred during the development phase can be capitalized if criteria such and technical feasibility of the project being established are met. सर अभी तक के साथ सर ये करेक्ट है, लेकिन सर अभी मैं रुकूंगा क्योंकि हम लोग क्या करते हैं सर डेवलपमेंट फेज की कोस्ट को कैपिटलाइज करते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ सर एक्सपेक्टेड बेनिफिट. ठीक जी सर. ट्रेनिंग कोस्ट सर नहीं है. डिजाइनिंग ऑफ जिग एंड टूल नहीं है सर. तो आपका ऑप्शन बी आ गया. अगर सर मान लो यहाँ पर यह लिखा होता कोस्ट इनकर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज कैन बी कैपिटलाइज इफ क्राइटेरिया सच एज टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट बींग एस्टेब्लिश्ड आर मेट सब्जेक्ट टू रिकवरेबल अमाउंट, तो फिर सर वो लाइन ज्यादा अप्रोप्रिएट होती. ठीक जी सर. AG Limited has purchased a computer with various additional software. Sir, AG ने क्या किया? Sir, computer purchase किया बड़े सारे software के साथ. ठीक. These are integral part of the computer. Sir, अगर ये software integral part of the computer है तो हम लोग क्या करेंगे? Sir, computer को एक आपकी tangible asset मान के चलेंगे, मतलब अलग से software record नहीं करेंगे. ठीक. Which of the following are true in context of the Ind AS 38? Recognize computer and software as tangible asset. Sir, option A आ गया. ठीक जी सर, क्योंकि वो integral part है. Which of the following is required to be tested for impairment annually, irrespective of the presence of the indicator of impairment or not? देखिए सर, तीन ऐसी एसेट होती हैं जिसका हम लोग सर क्या करते हैं एनुअल इंपेयरमेंट सर करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ इंडिकेटर है या नहीं है. ये हालांकि जो क्वेश्चन आपका इंडिया 36 का होना चाहिए, कोई बात नहीं, उन्होंने यहाँ पूछ लिया. सर इंटेंजिबल असेट जिसकी इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ है. सर इंटेंजिबल असेट सर जो अभी अवेलेबल फॉर यूज में नहीं है. और थर्ड सर आपका गुडविल अंडर बिजनेस कॉम्बिनेशन. ठीक. Which of the following is required to be tested for impairment annually, irrespective of the presence of the indicator of impairment or not? Sir, asset, intangible set with an indefinite useful life, yes. Intangible set not yet available for use, yes. Goodwill acquired in a business combination, sir, yes. All of the above आ जाएगा. Amortization of an intangible asset cease, sir. Amortization कब बंद हो जाएगा? When the asset is derecognized, sir. जब आप asset को क्या करेंगे? Derecognize कर देंगे. When the asset is withdrawn from use, sir. जब हम लोग asset को क्लासिफाई करते हैं एज हेल्ड फॉर सेल और सर डी रिकॉग्नाइज विच एवरेज अर्लियर आता है. एट द अर्लियर व्हेन द असेट इज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल और व्हेन द असेट इज डी रिकॉग्नाइज्ड, सर ऑप्शन सी आ गया. ठीक जी सर. विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम क्वालिफाई एज एन इंटेंजिबल असेट अंडर इंड एस 38. सर इसमें से कौन सी आइटम सर क्वालिफाई करेगी इंटेंजिबल असेट के लिए? एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशनल ऑन द लॉन्च ऑफ ए ह्यूज प्रोडक्ट, नो. ऑपरेटिंग लॉस, नो. College tuition fee paid to employee who decide to enroll in an executive MBA program, no. Legal cost paid to intellectual property lawyer to register a patent, बिल्कुल आ जाएगा सर. D आ गया. ठीक जी सर. AG Limited is developing a new production process, ठीक है. During X1, X2, expenditure incurred was rupees 11 lakh, of which 8 lakh was incurred before 1st January and 3 lakh was incurred between January and 31st March, X2, ठीक है. The company is able to demonstrate that 1st January, X2, the production process met the criteria for recognition as intangible asset. मतलब यहाँ पे आपका development phase start होगी, इसके बाद का amount हम क्या करते हैं capitalize करते हैं. ठीक. The recoverable amount of the know-how embedded in the process, including future cash outflow to complete the process before it is available for use, is estimated to be 2 lakh. सर यहाँ पे देखिए, 8 lakh सर research phase है P&L account में, 3 lakh सर development phase पे खर्चा. सर हम इसे क्या करें capitalize करते हैं to the extent of expected benefit. सर एक्सपेक्टेड बेनिफिट रिकवरेबल अमाउंट वो कह रहा है सर आपका 2 लाख है, तो सर हम लोग 2 लाख तक कैपिटलाइज करेंगे, 1 लाख अमाउंट पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे. ठीक जी सर. अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज द कैरिंग वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट? सर आपका 2 लाख से आ जाएगा. एजी लिमिटेड एक्वायर्ड कॉपीराइट फॉर 750. सर एजी ने क्या किया? सर एक कॉपीराइट एक्वायर किया, कितने से? सर 750 से. ठीक है. 1st अप्रैल X1 को द मैनेजमेंट असेस्ड द कॉपीराइट यूजफुल लाइफ एट 25 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन. तो सर अगर यहाँ पे हम एमोटाइजेशन की बात करें तो आपका
30,000 पर एनम का एमोर्टाइजेशन आ गया। ठीक जी सर। द एंटिटी विल कंज्यूम द कॉपीराइट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इवनली ओवर 25 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, तो हम 25 ईयर के हिसाब से एमोर्टाइज कर देंगे। द फेयर वैल्यू ऑफ द कॉपीराइट एट 31 मार्च x3, 2 साल के बाद सर पेटेंट की जो कॉपीराइट की सर जो फेयर वैल्यू 7 लाख है। तो सर यहाँ पे हम पहले क्या करें, कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। 750 माइनस 30,000 वन ईयर, माइनस 30,000 सर 2 ईयर, 690 सर कैरिंग अमाउंट आ गया। और रिकवरेबल अमाउंट सर आपका फेयर वैल्यू जो है वो 7 लाख है। तो सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 69 ही सर आपका कंटिन्यू कैरिंग अमाउंट रहेगा। ठीक, अगर हम लोग सर इसे मेजर करते हैं आपका एट कोस्ट प्राइस पे, हिस्टोरिकल कोस्ट पे, ठीक, कोस्ट मॉडल के हिसाब से, देन इट इज सेल मेजर द कैरिंग अमाउंट ऑफ द कॉपीराइट, आपका सर 690 आ जाएगा, ऑप्शन बी आ गया। चले जी सर, चलिए। इंडिया 36 इंपेयरमेंट ऑफ असेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट। सर हमें यहां पर बताना इंटरनल इंडिकेटर कौन सा नहीं है। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द असेट सर आपका इंटरनल इंडिकेटर है। फिजिकल डैमेज सर आपका इंटरनल इंडिकेटर है। डिक्लाइन इन मार्केट वैल्यू सर ये आपका एक्सटर्नल इंडिकेटर है, ऑप्शन सी आ गया। असेट इज पार्ट ऑफ द प्लान टू डिसकंटिन्यू और रिस्ट्रक्चर द ऑपरेशन, सर आपका ऑप्शन सी आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाई इंडिया 36 इंपेयरमेंट ऑफ असेट, डेफर्ड टैक्स असेट सर कवर नहीं, इन्वेंट्री सर कवर नहीं, फाइनेंशियल असेट कवर नहीं, ऑल ऑफ द अबव आ गया। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एन असेट और कैश जनरेटिंग यूनिट इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल एंड वैल्यू इन यूज, सर आपका ऑप्शन ए आ गया। When a cash generating unit has an impairment loss, the loss must be firstly applied to, sir आपका अगर goodwill है तो सर सबसे पहले हम क्या करते हैं goodwill के साथ adjust करते हैं, तो goodwill आ गया सर। When an impairment loss occur, the carrying amount of assets should be reduced to its, sir आपका recoverable amount, क्या आएगा सर आपका recoverable amount। Smallest identifiable group of asset that generate cash inflow that are largely independent of the cash inflow from other asset or group of asset is known as cash generating unit। इन मेजरिंग वैल्यू यूज कैश फ्लो प्रोजेक्शन शुड बी बेस्ड ऑन द बजटेड ऑब्लिक फोरकास्ट कवरिंग ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर आता सर, अनलेस ए लॉन्गर पीरियड कैन बी जस्टिफाइड। ठीक जी सर, 5 ईयर आ गया। इन केस ऑफ एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू यूज फ्यूचर कैश फ्लो आर एस्टिमेटेड इन द करेंसी इन विच दे विल बी जनरेटेड, बिल्कुल ठीक है, एंड देन डिस्काउंटेड यूजिंग डिस्काउंटेड अप्रोप्रिएट फॉर दैट करेंसी, बिल्कुल ठीक है। एन एंटिटी ट्रांसलेट द प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग द स्पॉट रेट आएगा सर एट द रेट ऑफ वैल्यू इन यूज, सर आपका स्पॉट एक्सचेंज रेट आ गया। ठीक जी सर। इज कंसिडर्ड एज रिकवरेबल अमाउंट वेन इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द फेयर वैल्यू एज कॉस्ट ऑफ सेल कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल फॉर एन असेट, सर आपका वैल्यू यूज को हम लोग क्या करते हैं सर रिकवरेबल अमाउंट मान लेते हैं, आपका ऑप्शन सी आ गया। ठीक जी सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू बी टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट एनुअली इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट और नोट, सर ये अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा इसमें। ठीक, ऑप्शन डी आ गया। चले जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं सर। इंडेस वी प्राइवेट लिमिटेड हैज अपॉइंटेड यू एज एन ऑडिटर फॉर फाइनेंशियल ईयर, सर वी प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया आपको ऑडिटर अपॉइंट किया। ठीक है जी। दे आर इनटू ट्रेडिंग ऑफ केक मिक्स, सर वो केक मिक्स की ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। द केक मिक्स इज बोट इन बॉक्स, ठीक है, वेदर दीज बॉक्स विल फॉल विद इन द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री एज पर इंडेस टू एंड हाउ दे विल बी वैल्यूड। देखिए सर, एक तरीके से सर ये आपका जो बॉक्स है ना पैकिंग मटेरियल हो गया। पैकिंग मटेरियल दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी एक सेकेंडरी। सर जो प्राइमरी पैकिंग मटेरियल होता है ना वो असेंशियल होता है सर, हम उसे इन्वेंट्री का पार्ट मान के चलते हैं। ठीक जी सर। और सर जो आपका सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल है सर वो आपका एक तरीके से सेलिंग एक्सपेंडिचर होता है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। जैसे सर मान लो हमने कोल्ड ड्रिंक को सर स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, बोतल यूज करनी पड़ेगी। ठीक जी सर। तो सर जो वो बोतल हो प्राइमरी आपका पैकिंग मटेरियल है वो हमेशा सर इन्वेंट्री का पार्ट माना जाएगा। अब सर हमने क्या किया, 10 कोल्ड ड्रिंक का एक सर बैग वगैरह बना दिया। ठीक जी सर, या एक पैकिंग रख दी सर जिसमें 10 कोल्ड ड्रिंक रखी जाएंगी, सर वो आपका सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल होता है, वो आपकी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं माना जाता। ठीक जी सर। व्हेन दीज बॉक्स विल फॉल, वेदर दीज बॉक्स विल फॉल विद इन द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री, यस एज पर इंडेस टू एंड हाउ दे विल बी वैल्यूड, सर यस आ जाएगा। सिंस दे आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल दे विल बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, ठीक है। नो नो यस, सिंस दे आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल दे विल बी वैल्यूड एट एनआरवी, नहीं सर कॉस्ट और एनआरवी विचारे लोअर के हिसाब से हम क्या करेंगे सर उसे वैल्यू करेंगे, ऑप्शन ए आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंट्री वुड बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, सर इसमें से कौन सी इन्वेंट्री को हम मेजर करेंगे आपका कॉस्ट और एनआरवी विचारे लोअर पे, सर सैंड बैरिड
प्लास्टिक लाइमस्टोन, सर प्लास्टिक आ गया आंसर। एक्स वाई जेड लिमिटेड हैज बीन वैल्यूइंग इन्वेंट्री ऑन ए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस, ठीक है, फिफो बेस पे सर वो क्या कर रही है, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रही है। बट इन लाइन विद मेथड यूज्ड बाय इंडस्ट्री पीयर्स द कंपनी हैज डिसाइडेड टू मूव टू वेटेड एवरेज मेथड। सर अगर हम फिफो से वेटेड एवरेज मेथड पे जाते हैं तो सर ये आपका चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बन जाएगा इस केस में। सर व्हाट इज योर एडवाइस विद रिगार्ड टू डिस्क्लोजर? सर इस केस में हमें क्या क्या डिस्क्लोजर देना पड़ेगा? सर एक तो हमें रीजन बताना पड़ेगा, ठीक जी सर, कि हम इस मेथड से इस मेथड में क्यों जा रहे हैं। सेकंड सर अमाउंट के एडजस्टमेंट बतानी पड़ेगी, ठीक जी सर। और सर थर्ड हमें क्या करना पड़ेगा? सर जो कंपैरेटिव है उसे रीस्टेट करना पड़ेगा, ठीक जी सर। रीजन फॉर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मस्ट बी डिस्क्लोज्ड एंड कंपैरेटिव, सर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। रीजन फॉर चेंज मस्ट बी डिस्क्लोज्ड, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड, बिल्कुल ठीक है। बट कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन फॉर प्रायर पीरियड मस्ट नॉट बी रीस्टेटेड, नहीं सर वो भी सर हमें रीस्टेट करना पड़ेगा। रीजन फॉर चेंज नीड नॉट बी डिस्क्लोज्ड, नो सर। रीजन फॉर चेंज मस्ट बी डिस्क्लोज्ड, द अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड एंड कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन फॉर प्रायर पीरियड मस्ट बी रीस्टेटेड, सर ऑप्शन आपका डी आ गया, ठीक जी सर। वी लिमिटेड परचेज कार फ्रॉम सेवरल कंट्रीज, ठीक है, एंड सेल देम टू एशियन कंट्री। सर वी लिमिटेड बाहर की कंट्रियों से, मतलब बड़ी सारी कंट्रियों से क्या करती है, कार परचेज करती है और उन्हें एशियन कंट्री में सेल करती है, ठीक है। वी लिमिटेड इनकर्ड मैनी एक्सपेंसिस ड्यूरिंग द पीरियड ऑन सच कार फ्रॉम देयर परचेज टू सेल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज अलाउड फॉर इंक्लूजन इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री? सर इन्वेंट्री कॉस्ट में से कौन सी कॉस्ट आएगी? 20 लाख एज सैलरी ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, नो। 15 लाख ऑफ सेल कमीशन पे टू सेल एजेंट। सर यहाँ पे सेल एजेंट को हमने सेल कमीशन दिया, अगर सेल कमीशन है इट मींस क्या कि हम जब बेचेंगे तो कमीशन दे रहे हैं, ठीक जी सर। 30 लाख एज आफ्टर सेल वारंटी कॉस्ट, नो। 10 लाख एज इंश्योरेंस ऑफ परचेजेज, सर आपका ये डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, ऑप्शन डी आ गया। पी लिमिटेड हैज प्लांट विद नॉर्मल कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 5 लाख यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट पर एनम, ठीक है, एंड द एक्सपेक्टेड फिक्स्ड ओवरहेड इज आपका 15 लाख है, ठीक जी सर। हाउएवर एक्चुअल प्रोडक्शन सर आपका 375 है, तो सर यहाँ पे रिकवरी रेट आपका फिक्स ओवरहेड का ₹3 पर यूनिट आ गया। अमाउंट ऑफ फिक्स ओवरहेड टू बी इंक्लूड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, सर आपका 375 × 3 सर आपका 11,25,000 आ गया। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि अमाउंट कितना पीनल अकाउंट में डायरेक्ट चार्ज हो जाएगा, तो सर उस केस में पता क्या होगा, सर इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, वो पीनल अकाउंट में अमाउंट चार्ज हो जाएगा, दैट इज सर आपका 3,75,000। सर कैसे 125 यूनिट सर आपने कम प्रोड्यूस किए × 3, 375, या सर फिर आप ऐसे कर सकते हैं 15 लाख का टोटल ओवरहेड है, इतना सर आपने इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट बना दिया, बाकी सर आपका पीनल अकाउंट में चार्ज हो जाएगा, ठीक जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। डब्ल्यू लिमिटेड एक कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सेल टॉवल एंड बेडशीट यूजिंग कॉटन यार्न डाइज एंड केमिकल, ठीक जी सर। इसका मतलब सर आप मैन्युफैक्चर करते हैं टॉवल एंड बेडशीट को, तो ये आपके सर फिनिश गुड्स होगी, कॉटन यार्न डाइज एंड केमिकल सर ये आपके रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल आइटम होगी, ठीक जी सर। डब्ल्यू लिमिटेड ऑल्सो सेल कॉटन एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यार्न ओकेजनली इन एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है। एक्सेप्शनल केसेज में सर वो क्या करते हैं, सर वो ना जो आपका कॉटन है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है सर यार्न उसे बेचती, ठीक जी सर, एक्सेप्शनल केसेस में, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर टू बी क्लासिफाइड एज इन्वेंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड, सर ये 6 की 6 आ जाएंगी, कॉटन है, ठीक है, यार्न है, ठीक है, टॉवल बेडशीट है, डाई केमिकल है, सर ये आ जाएगा, ऑप्शन ए आ गया, ठीक जी सर। ए लिमिटेड शिफ्ट इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट टू बी, ठीक है। हाउ शुड द कंसाइंड इन्वेंट्री टू बी ट्रीटेड एज्यूमिंग द इन्वेंट्री इज अनसोल्ड बाई बी लिमिटेड, सर अगर इन्वेंट्री बी के पास सर क्या है अनसोल्ड है, तो सर हम लोग क्या करेंगे, सर हम लोग उसे सर अपनी एज ए एक इन्वेंट्री मान के चलेंगे, ठीक जी सर। टू बी मेजर्ड एज इन्वेंट्री इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, बिल्कुल ठीक है सर। नॉर्मल एनुअल कैपेसिटी ऑफ द प्लांट एक्स इज 1000 यूनिट, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च एक्स टू द कंपनी इज एबल टू प्रोड्यूस ओनली 700 यूनिट ड्यू टू सडन स्ट्राइक ऑफ यूनियन लेबर ड्यूरिंग द करंट ईयर कंपनी हैव इनकर्ड 21,000 ऑफ द फिक्स ओवरहेड, ठीक है। इन्वेंट्री क्वांटिटी एज एट 31 मार्च एक्स टू इज 200 यूनिट, ठीक है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फिक्स ओवरहेड एलोकेशन दैट नीड टू बी डन इन द इन्वेंट्री लाइंग इन हैंड, सर कितना आपका इन्वेंट्री में आ जाएगा फिक्स ओवरहेड का अमाउंट। देखिए सर 21,000 अपने फिक्स ओवरहेड हुए हैं, ठीक है जी सर। सर ये एक्चुअल प्रोडक्शन है नॉर्मल प्रोडक्शन, हम लोग किसके बेस पे कंसीडर करते हैं, नॉर्मल प्रोडक्शन के बेस पे, ठीक जी सर। तो 21,000 डिवाइड बाई 1000, ठीक, इंटू सर आपका 21 रिकवरी रेट आ गया, इंटू सर 200 यूनिट है, सर 4200 से आपका अमाउंट आ गया,
चलिए आगे। जी सर, आगे बढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड द कॉस्ट ऑफ कंपनी इन्वेंट्रीज 4,50,000, ठीक है। दिस इंक्लूड डैमेज आइटम विद ए कॉस्ट ऑफ 25,000 विच आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड ओनली फॉर 10,000। सर देखिए, 450 सर टोटल कॉस्ट है, इसमें एक आइटम इंक्लूड है जिसकी कॉस्ट कितनी है 25,000, तो बैलेंस इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी आएगी 4,25,000, ठीक जी सर। लिखते हैं विच आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड फॉर ओनली 10,000 लेस सेलिंग एक्सपेंसिस ऑफ 5%। इसका मतलब सर इसकी जो सेलिंग प्राइस है 9,500 आ गया नेट सेलिंग प्राइस, ठीक। तो हम लोग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, कॉस्ट और आपका एनआरवी चार्ज लोअर, ठीक जी सर। तो 425 सर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अलग से दे दी, और एक इन्वेंट्री कॉस्ट सर 25,000 है और उसकी एनआरवी कितनी सर आपका 9,500, तो 9,500 के हिसाब से सर उसमें वैल्यू कंसिडर कर लेंगे, ठीक जी सर। All other item of inventory have a net realizable value which exceed cost, ठीक है। As per Ind AS to the amount at which the company inventory should be recognized at the end of the period is, सर कितने से आएगा 434,500 से, ठीक जी सर। एक अल्टरनेटिव और भी है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट सर आपका 450, आइटम शुड बी इंक्लूडेड एट एनआरबी सर 25,000 कॉस्ट है, एनआरबी सर 9,500 होनी चाहिए, ठीक जी सर। तो सर आप एडजस्टमेंट कर देंगे कितने की, सर यहाँ पर एडजस्टमेंट हो जाएगी आपकी 15,500 से 434,500 सर, ऐसे भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरी लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ कार्टून बॉक्सेस, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ द स्टॉक एज ऑन 31 दिसंबर X1 वाज ₹50 पर बॉक्स, ठीक है। द अकाउंटेंट नोटेड दैट सब्सिक्वेंट सेल वाज मेड एट 40 पर बॉक्स, ठीक है। The accountant also noted that there were subsequent expenses for some rectification on the entire physical stock that was available as at the year end at the rate of 15 per box to saleable condition. Sir, देखिए cost 50, आपका expected selling price sir 40, लेकिन sir cost of completion sir आपका 15 है, तो 25 sir आपका NRV आ गया, ठीक जी sir. The company seek your opinion as to the amount of net realizable value and written down लॉस फॉर द क्लोजिंग स्टॉक। सर देखिए इस पे हम वैल्यू करेंगे और सर लॉस भी कितने का आ गया यहाँ पे 25 का ही आ गया, ठीक जी सर। तो 25 एंड 25 आ गया। चलिए इंड एस 41, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज फॉल्स रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ ए बायोलॉजिकल असेट एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंड एस 41। सर एग्रीकल्चर लैंड एंड पैडी, क्योंकि जो एग्रीकल्चर लैंड है सर आपका वो 16 में ही कवर होगी, मतलब कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट सर जो हम लोग हेल्ड करते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए सर वो आपका 16 या आपका 38 में ही कवर होती है, ठीक जी सर। एक कंडीशनल गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस व्हेन एंड ओनली व्हेन। देखिए इंड एस 41 के अकॉर्डिंग सर अगर हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिलती ना आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड, तो हम लोग क्या करते सर उसे सर एज ए इनकम पीनल अकाउंट में तब लेके जाएंगे जब सारी कंडीशन पूरी हो जाएंगी, ठीक जी सर। ग्रांट बिकम रिसीवेबल नो कंडीशन अटैचिंग टू ग्रांट आर मेट, ठीक जी सर। मतलब यहां पे हम लोग सर ओवर द पीरियड हम लोग इनकम कंसीडर नहीं करते लाइक इंड एस 20 में। एग्रीकल्चर एक्टिविटी इन्वॉल्व बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड हार्वेस्ट ऑफ बायोलॉजिकल असेट फॉर सेल फॉर कन्वर्जन इंटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंटू एडिशनल बायोलॉजिकल असेट, सर तीनों आ जाएंगे यहाँ पे ना। जनरली बायोलॉजिकल असेट रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी शुड बी मेजर्ड यूजिंग सर आपका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ठीक जी सर। जनरली बोला है, हालांकि फेयर वैल्यू अगर रिलायबल नहीं आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही तो फिर हम लोग कॉस्ट पे मेजरमेंट करते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट सर मैंने आपको इंड एस 41 में डिटेल में करा रखे हैं। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिकम कॉस्ट बन जाती है सर एज पर इंड एस 2 ना, कॉस्ट एट दैट डेट व्हेन अप्लाइंग इंड एस 2, ठीक जी सर। चले हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेल्ट विद बाई इंड एस 41 एग्रीकल्चर। बायोलॉजिकल असेट सर कवर है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट कवर है, गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल असेट बिल्कुल कवर है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्ट सर नहीं, आफ्टर हार्वेस्ट सर आपका इंड एस 41 के स्कोप से वो बाहर हो जाते हैं, ठीक जी सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्नाइजिंग द बायोलॉजिकल असेट इन बुक्स अकॉर्डिंग टू इंड एस 41। कंट्रोल होना चाहिए असेट के ऊपर, बिल्कुल ठीक है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। फेयर वैल्यू या कॉस्ट सर हम रिलायबली मेजर कर पाए, ठीक जी सर। All of the above आ जाएगा। Gain and loss arising from initial recognition of a biological asset and from a change in value biological asset should be recognized in। हम लोग सर कहां पे recognize करते हैं? P&L account के अंदर। Statement of profit or loss for the period in which it arise। बिल्कुल ठीक है। Which of the following are considered as bearer plant and not to be accounted in accordance with 41? सर
मतलब हम सर किसे बियर प्लांट मानेंगे और एज पर इंडेक्स 41 डील नहीं करेंगे, मतलब 16 में चला जाएगा। प्लांट कल्टिवेटेड टू बी हार्वेस्ट एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, नो सर, क्योंकि बायोलॉजिकल असेट में सर जो बियर प्लांट है उसका ऑब्जेक्टिव होता है अनदर सर आपका बायोलॉजिकल असेट को प्रोड्यूस करना। ठीक जी सर। प्लांट विच गिव फ्रूट्स इन ए पर्टिकुलर सीजन फॉर मोर देन 1 ईयर, फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री, बिल्कुल आ जाएगा सर। प्लांट कल्टिवेटेड टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस व्हेन देर इज मोर देन ए रिमोट लाइकलीहुड दैट द एंटिटी विल ऑल्सो हार्वेस्ट एंड सेल द प्लांट एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, नो। एनुअल क्रॉप, नो सर। क्वेश्चन नंबर 10, एफ वी लिमिटेड ओन ए वाइनयार्ड इन द आउटस्कर्ट ऑफ स्तारा सिटी इन वेस्टर्न महाराष्ट्र, ठीक है। द ग्रेप वाइन प्लांट एंड द ग्रेप्स हैव ए कंबाइंड फेयर वैल्यू ऑफ 10 लाख, ठीक है। द परचेज कॉस्ट ऑफ द वाइन प्लांट, सर ये आपका बियर प्लांट है ना, वाज 3 लाख एंड द फेयर वैल्यू ऑफ द ग्रेप ऑन द प्लांट इज 240, ठीक है। द कंपनी यूज द कॉस्ट मॉडल टू मेजर असेट क्लासिफाइड अंडर इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। तो सर आपका कॉस्ट कितनी है वाइन प्लांट की, सर वो 3 लाख है, तो 3 लाख आ जाएगी, ठीक है कॉस्ट। ठीक जी सर। द कंपनी यूज द कॉस्ट मॉडल टू मेजर आपका असेट क्लासिफाइड अंडर इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मेजर्ड फॉर बियर प्लांट एंड बियर फ्रूट्स। देखिए सर बियर फ्रूट्स को हम लोग कैसे वैल्यू करते हैं सर, आपका फेयर वैल्यू पर, ठीक जी सर। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जो आपका ग्रेप्स है और जो वाइन प्लांट है ना, ग्रेप वाइन प्लांट, इन दोनों की फेयर वैल्यू ये है, लेकिन सर वाइन प्लांट आपका बियर प्लांट है और एज पर इंडिया 16 हम उसे सर कैसे वैल्यू करें कॉस्ट मॉडल पे, तो सर 3 लाख आ जाएगा और सर ये फेयर वैल्यू पे आ जाएगा, ठीक 3 लाख और 240, ऑप्शन ए आ गया। आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फ्रॉम द बिलो लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हेल्ड बाई एस लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022, यू नीड टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच डज नॉट मीट द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडिया 109। सर इंडिया 109 के अकॉर्डिंग आपने बताना है कि कौन सा ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है इनमें से जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट को सर पूरा नहीं करता, ठीक जी सर। वेरिएबल रेट इंस्ट्रूमेंट विद ए स्टेटेड मेच्योरिटी डेट एंड परमिट द बोरोअर टू चूज टू पे 3 मंथ लिबोर फॉर ए 3 मंथ टर्म और 1 मंथ लिबोर फॉर 1 मंथ टर्म, सर यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट पास हो जाता है। ए फिक्स टर्म वेरिएबल मार्केट इंटरेस्ट रेट, सर बिल्कुल यहाँ पे भी कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट पास हो जाता है। ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद एन इंटरेस्ट रेट दैट इज रीसेट टू ए हायर रेट इफ द डेटर मिसेज ए पर्टिकुलर नंबर ऑफ पेमेंट, बिल्कुल सर ये भी आपका कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है। ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद एन इंटरेस्ट रेट दैट इज रीसेट टू हायर रेट इफ द स्पेसिफाइड इक्विटी इंडेक्स रीचेज ए पर्टिकुलर लेवल, सर इक्विटी इंडेक्स आ गया सर यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट सर आपका मीट नहीं कर पाएगा, ठीक चले जी सर। न्यू एज टेक्नोलॉजी लिमिटेड हैज टेकन लोन फ्रॉम ए बैंक विच हैज डेट टू इक्विटी रेशो एज वन ऑफ इट्स फाइनेंशियल कवेनेंट्स, ठीक है। एनी न्यू फंड रेज कुड हैव ए डायरेक्ट इंप्लीकेशन ऑन द कवेनेंट्स ऑफ एग्जिस्टिंग लोन, बिल्कुल ठीक है। देयरफॉर द सीएफओ वांट टू अंडरस्टैंड विच अमंग्स द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एज पर इंडिया 32, सर आपने बताया इसमें से कौन सा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होगा। नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर विद पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सर अगर हमें डिविडेंड पे करना पड़ेगा मार्केट रेट के हिसाब से तो सर इसमें आपका डेट पोर्शन आ जाएगा एक, ठीक जी सर। तो यहाँ पे सर ये आपका हालांकि नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है लेकिन सर ये आपका एक तरीके से कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा, इक्विटी नहीं, ठीक। प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल एट द ऑप्शन ऑफ द इशूअर, सर हमारे ऊपर है कि हम उन्हें रिडीम करें या ना करें, बिल्कुल ठीक है। विद पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशूअर, सर डिविडेंड पे करें या ना करें हमारे ऊपर है, सर ये आपका इक्विटी बन गया, ठीक जी सर। प्रेफरेंस से रिडीमेबल एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर, सर अगर होल्डर के पास ऑप्शन है तो सर आपका लाइबिलिटी माना जाएगा, ठीक जी सर। प्रेफरेंस से रिडीम एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर विद पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट मार्केट रेट, नहीं सर इसमें सिर्फ ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक। एंटिटी ए हैज इशूड प्रेफरेंस शेयर टू द इन्वेस्टर, सर एंटिटी ए ने क्या किया प्रेफरेंस शेयर इशू किया किसको, इन्वेस्टर को, ठीक है। विच हैज सिमिलर वोटिंग राइट एंड डिविडेंड राइट एंड विल बी कन्वर्टेड इनटू 1:1 इक्विटी शेयर एट द टाइम ऑफ आईपीओ, बिल्कुल ठीक है। एज पर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट इफ द आईपीओ डज नॉट हैपन बाय द एंड ऑफ द 7th ईयर, सर अगर आईपीओ हैपन नहीं होगा देन कंपनी विल हैव टू बाई बैक द शेयर फ्रॉम द इन्वेस्टर, तो सर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, बाई बैक करना पड़ेगा, मतलब सर यहाँ पे एक लाइबिलिटी की फीचर भी आ गई, ठीक जी सर। तो सर ये आपका कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। द कंपनी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड इज कॉन्फिडेंट ऑफ गोइंग थ्रू द आईपीओ विद इन 3 ईयर इटसेल्फ, हाउ विल द कंपनी क्लासिफाई द अबव इंस्ट्रूमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर आपका
कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। ऑन 1 जनवरी X6 एक्स वाई जेड लिमिटेड इशू ए न्यू इंस्ट्रूमेंट विद द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक। फेस वैल्यू सर 100 है, इशू प्राइस 90 है, क्यूमुलेटिव डिविडेंड पेबल एट 5% पर एनम फॉर 10 ईयर है, ठीक है। आफ्टर 10 ईयर द डिविडेंड इज पेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशूअर। ये देखिए सर, सर 5% के हिसाब से क्या होगा आपका, आपने डिविडेंड पे करना ही करना। 10 ईयर के बाद सर डिविडेंड इशूअर के ऊपर है, ठीक जी सर। द होल्डर ऑफ द नोट हैज द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू ऑर्डनरी शेयर ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड आफ्टर 10 ईयर एंड कन्वर्जन विल बी 10 ऑर्डनरी शेयर फॉर ईच इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। द होल्डर कैन डिमांड रिडेम्पशन फॉर ऑफ द फेस वैल्यू एट एनी टाइम विद इन 6 मंथ नोटिस अंटिल द एंड ऑफ द 10 ईयर। आफ्टर 10 ईयर सर रिडेम्पशन आपका क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशूअर के ऊपर है सर। नो फिक्स मैच्योरिटी डेट है, तो सर ये आपका कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, ठीक जी सर। चले हाँ जी, आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे प्यारा क्वेश्चन सर, ए लिमिटेड हैज इन्वेस्टेड इन डिवेंचर हुज इंटरेस्ट रेट इज फ्लोटिंग इन नेचर। सर हमने एक कंपनी के डिवेंचर लिए जहां पे इंटरेस्ट रेट सर क्या है आपका फ्लोटिंग है, ठीक। एंड एज पर द टर्म्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इंटरेस्ट विल बी रीसेट एवरी मंथ। सर इंटरेस्ट आपका हर महीने रीसेट होगा, बिल्कुल ठीक है। टर्म्स ऑफ द इंटरेस्ट इज आपका 0.5 × MIBOR + 2%। क्लासीफाई द फाइनेंशियल असेट एंड डिटरमाइन द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फॉर द अफोर्सेड इंस्ट्रूमेंट। सर देखिए यहाँ पे सर जो इसका आंसर बनेगा एट FVTPL पर बनेगा एज ए रेजिडुअल मेथड, क्योंकि देखिए अगर फाइनेंशियल असेट डेट इंस्ट्रूमेंट है ना, तो सर FVTPL मेथड कब लगेगा? सर दो केस में लगता है, एक तो सर जब आप उसे हेल्प फॉर ट्रेडिंग रखते हैं, यहाँ पे सर हेल्प फॉर ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं कह रखा। सेकंड सर जब ना तो एमोटाइज कॉस्ट मेथड लग रहा और ना ही सर आपका FVTOC मेथड लग रहा हो, ठीक जी सर। तो सर यहाँ पे क्या होगा, FVTPL मेथड लग जाएगा। चले जी सर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल एसेट इज नॉट सब्जेक्ट टू इंपेयरमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ इंडेस 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मेजर एट आपका फेयर वैल्यू थ्रू P&L आ गया सर, ये ऑप्शन ए आ गया, ठीक जी सर। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, लीज रिसीवेबल, ट्रेड डेटर, सर इन सब के ऊपर आपका इंपेयरमेंट के प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं, आपको इंपेयरमेंट करना पड़ेगा, ठीक जी सर। आइए इंडेस 102 पे क्या लिखता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एंटिटी विच इज ए फर्स्ट टाइम अडोप्टर ऑफ इंडेस। सर एक एंटिटी पहली बार इंडेस अप्लाई कर रही है, इंडेस 102 वुड नॉट नेसेसरली टू रिक्वायर टू बी अप्लाइड टू विच द फॉलोइंग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। सर जो इंस्ट्रूमेंट सर आपका वेस्ट हो जाता है बिफोर ट्रांजेक्शन डेट, ठीक। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दैट वेस्टेड बिफोर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन टू इंडेस, सर ऑप्शन ए आ गया। ऑन 1 अप्रैल X1 ABC लिमिटेड एक्वायर्ड एन आइटम ऑफ प्लांट फॉर एन एग्रीड कंसिडरेशन ऑफ इट्स ओन 1000 शेयर। सर 1 अप्रैल X1 को क्या होता है, ABC ने एक आइटम ऑफ प्लांट एक्वायर किया, ठीक है। एग्रीड कंसिडरेशन सर कितना, वो अपने 1000 शेयर इशू कर देगी, ठीक जी सर। द फेयर वैल्यू ऑफ द आइटम ऑफ द प्लांट वाज 10,000। सर यहां पे अगर आप देखेंगे तो अगर वो अपने इक्विटी शेयर इशू करेगी, एक सेकंड लाइन मिस होगी, पहले उस लाइन को पढ़ते हैं। द प्लांट वाज रिसीव्ड ऑन द सेम डेट एंड ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर शेयर वाज टू बी सेटल्ड ऑन 1 मई। देखिए सर अगर कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो सर ये आपका इक्विटी सेटलमेंट होगा। हम लोग क्या करेंगे सर, जो भी गुड्स की सर फेयर वैल्यू है उसे कंसीडर कर लेंगे, ठीक जी सर। हाँ अगर गुड्स की सर फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे सर, ग्रांट डेट पे जो भी सर फेयर वैल्यू है सर हम उसे कंसीडर कर लेंगे इक्विटी सेटलमेंट के केस में, ठीक जी सर। द फेयर वैल्यू ऑफ द आइटम ऑफ द प्लांट वाज 10,000 ऑन 1 अप्रैल। ABC लिमिटेड शेयर प्राइस वाज आपका INR 8 है 1 अप्रैल को और 9 सर 31 मार्च X2 को इन अकॉर्डेंस विद इंडेस 2 शेयर बेस पेमेंट ABC लिमिटेड शुड। सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फेयर वैल्यू ऑफ द प्लांट दे रखा सर, तो हम लोग क्या करें सर इसी को कंसीडर कर लेंगे, ठीक। रीमेजर नो, इनिशियल रिकॉग्नाइज आपका 8,000 नो सर 10,000 पे आ जाएगा, डी ऑप्शन आ गया, इनिशियली रिकॉग्नाइज द प्लांट एंड इक्विटी एट 10,000, ठीक जी सर। चले हाँ जी आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सर आपका 3, सिल्वर जुबली मोटर ग्रांटेड 2,000 शेयर ऑप्शन टू ईच ऑफ इट्स 3 ब्रांच मैनेजर ऑन 1 अप्रैल 2017 सब्जेक्ट टू ब्रांच मैनेजर बींग इन एम्प्लॉयमेंट टिल 31 मार्च 2020, ठीक जी सर। सर 3 साल जो ब्रांच मैनेजर हैं उन्हें सर काम करना पड़ेगा, ठीक जी सर। 2000 सर शेयर ऑप्शन दिए हैं हर एक ब्रांच मैनेजर को, ठीक। द ऑप्शन विल वेस्ट ऑन 31 मार्च 2020 ओनली इफ द कंपनी शेयर प्राइस रीचेज INR 14 पर शेयर एट दैट टाइम। बात सुनिए ध्यान से सर, देखिए क्या होता है, अगर वेस्टिंग कंडीशन है और वेस्टिंग कंडीशन में सर आपकी परफॉर्मेंस कंडीशन है और परफॉर्मेंस कंडीशन में सर अगर मार्केट बेस्ड कंडीशन है तो सर जितने भी सर आगे के इंपैक्ट होते हैं ना, हम उन सबको क्या करते हैं ऑन ग्रांट डेट सर इक्विटी सेटलमेंट के केस में सर फेयर वैल्यू में कंसिडर कर लेते हैं, उनका सब्सिक्वेंट इंपैक्ट हम लोग नहीं लेते, ठीक जी सर।
ऑप्शन विल वेस्ट ऑन 31 मार्च ओनली इफ द कंपनी शेयर प्राइस रीचेज आपका 14 पर शेयर एट दैट टाइम। देखिए सर, आपका वेस्टिंग कंडीशन है, परफॉर्मेंस कंडीशन है, और वो भी मार्केट बेस है। मार्केट बेस कैसे है, क्योंकि सर यहाँ पे शेयर का प्राइस आप 14 मेंटेन करेंगे, तो जो भी सर सब्सिक्वेंटली इंपैक्ट होगा वो हमने क्या किया होगा, ऑलरेडी कंसिडर किया होगा वाइल आपका डिटरमाइनिंग द फेयर वैल्यू ऑन ग्रांट डेट। ठीक, द फेयर वैल्यू ईच ऑप्शन ऑन 1 अप्रैल 17 ईच INR 10। ठीक है, द शेयर प्राइस ऑन 31 मार्च 18 ईच INR 8। It is not anticipated that it will rise over the next 2 years. Further, it is anticipated that on 31st March 18 that only 2 branch managers will be in employment by 31st March 20. ठीक है, 2 branch manager रह जाएंगे। ठीक जी सर, अच्छा 3 branch manager थे। ठीक है जी सर, तो 2000 आप 1 branch manager को सर क्या करेंगे, सर शेयर बेस पेमेंट देंगे, लेकिन अभी सर 2 रह जाएंगे 31st March 18 को, और सर फेयर वैल्यू में हमने सब कुछ कंसिडर कर लिया होगा। Further, it is anticipated on 31st March 18 that only 2 branch managers will be in employment by 31st March 20. ठीक है, determine the value of the share option to be recorded as per Ind AS 102 share based payment in the balance sheet for the year ended 31st March 18. Sir, 1 year का amount कितने से आ जाएगा? 2 into 2000 into sir आपका 10 divided by 3 sir 13,333 option B आ गया। चले जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। एंटिटी ए हैज कैलकुलेटेड टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, प्लीज ध्यान देना, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस उसने खुद ही बता दिया, मतलब इसके ऊपर डीटीएल बनेगा। ठीक है, ओ 5 लाख एंड डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस आर आपका 20 लाख ऑन सेपरेट आइटम। अच्छा 50 लाख 20 लाख है। ठीक जी सर, तो सर डीटीएल बनेगा 50 लाख के ऊपर और डीटीए बनेगा सर आपका 20 लाख के ऊपर। ठीक, द टैक्स रेट ऑफ द करंट ईयर 35% है, हाउएवर द टैक्स रेट इन द प्रीवियस ईयर 30% था और एक्सपेक्टेड सर फ्यूचर में क्या होगा 40% होगा। ठीक, हम लोग सर क्या करते हैं, जो भी सर आपका रिपोर्टिंग डेट पे एज पर एनेक्टेड लॉ सर टैक्स रेट होता है उसे कंसिडर करते हैं। ठीक जी सर, What basis should be used for measurement of deferred tax asset and liability? Sir, 35% आ जाएगा। Option B, ठीक जी सर। Star Limited expect that it will earn a minimum of 250 lakh per year for the anticipatable future and will be subject to 30% tax. ठीक है सर, Star Limited expect कर रहा है कि वो minimum 250 lakh per year के साथ सर वो profit कमाएगा future में। ठीक है, ए लाइबिलिटी फॉर द 50 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्यूड प्रोडक्ट वारंटी कॉस्ट हैज बिन रिकॉग्नाइज बाई स्टार लिमिटेड फॉर टैक्स पर्पज, द प्रोडक्ट वारंटी कॉस्ट विल बी डिडक्टेबल वेन द एंटरप्राइज क्लेम और इनकर। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद इंड एस 12। देखिए सर, अगर हम 50 लाख की आज लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनकम टैक्स वाले सर लाइबिलिटी को नहीं मान रहे, वो पेमेंट बेस पर मान रहे। ठीक है जी सर, तो फ्यूचर में क्या होगा सर, फ्यूचर में सर मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में सर इसे हम एज ए इनकम कंसीडर कर लेंगे फ्यूचर के हिसाब से सर। ठीक जी सर, और सर इनकम टैक्स वाले सर इसे कंसीडर नहीं करेंगे, तो सर वो क्या करेंगे, वो सर इसके ऊपर टैक्स नहीं लेंगे। अगर वो इसके ऊपर टैक्स नहीं लेंगे क्योंकि सर वहां पे सर जीरो अमाउंट कंसीडर होगा फ्यूचर में। ठीक जी सर, इस लाइबिलिटी के अगेंस्ट ना, तो सर ये अपने लिए डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस बनेगा, इसके ऊपर सर डीटीए बनेगा, लेकिन सर फ्यूचर में अपने पास टैक्सेबल इनकम होनी चाहिए जिसके अगेंस्ट हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं, वो क्वेश्चन यहां पे बता रखा। ठीक, फॉर टैक्स पर्पस द प्रोडक्ट वारंटी कॉस्ट will be deductible when the enterprise claim or incur the cost in accordance with Ind AS 12 income tax, which of the following Star Limited should recognize a deferred tax asset or liability? Sir, asset aa jayegi kitne se sir, kyunki deductible temporary difference hai 50 into aapka 30% sir 15 lakhs during the year ended 31st March 2021, Z Limited has acquired 60% share of Global Limited. Sir, 60% share sir kiske acquire kiye, Global ke. Theek ji sir, in accordance with Ind AS 103 business combination, Goodwill arising on acquisition of subsidiary amounting to 20 lakh, the tax rate applicable to G Limited is 30%. The deferred tax liability relating to goodwill will be sir nil aayega. To calculate the tax base of a liability for employee benefit, which one of the following formula would be used? Carrying amount minus aayega sir future deductible amount for tax purpose with respect to that liability. Sir, option D aa gaya. Chale ji sir. चलिए, इंड एस 20, हाउ इज ग्रांट रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट और लॉस व्हेन इट सेट अप एज डेफर्ड इनकम? सर हम क्या करेंगे सर, अगर हमने क्या किया सर, एज ए डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड कर लिया ग्रांट को, तो हम उसे सर ओवर द पीरियड सर एमोटाइज करते हैं। हम उसे क्या करते हैं, ओवर द पीरियड एमोटाइज करते हैं। बात समझिए सर, देखिए हमें ग्रांट का अमाउंट यहाँ पे मिला और हमने सर उसे क्या किया, एज ए डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड कर लिया। ठीक जी सर, तो हम क्या करेंगे, ओवर द पीरियड सर उसे सिस्टमेटिक बेस पे एमोटाइज करके पीएनएल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। ठीक, इट इज रिकॉग्नाइज एज इनकम इन द ईयर द ग्रांट इज रिसीव्ड? नो, इट इज रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट और लॉस इन सिस्टमेटिक बेसिस ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। सर इसका मतलब ये एसेट से रिलेटेड की बात कर रहे हैं, तो ये आंसर आ जाएगा। एक बार आगे और देख लेते हैं, इट इज रिकॉग्नाइज एज ए रिडक्शन इन द डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट।
नो यूजफुल लाइफ आएगा सर। ठीक जी सर। और सर हम उसे पीएनएल अकाउंट में सिस्टमेटिक बेस पर रिकॉर्ड कर लेंगे। इट इज रिकॉग्नाइज एज ए सेपरेट आइटम इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। नो सर, जो ऑप्शन दे रखे इनमें से बी ऑप्शन आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू इंडिया 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट? लोकल एंड नेशनल बॉडी ओनली, गवर्नमेंट एजेंसी ओनली, इंटरनेशनल बॉडी ओनली? सर सारे आ जाएंगे ना, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एजेंसी एंड सिमिलर बॉडी, वेदर लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल। सर डी आ गया ऑप्शन। ठीक जी सर। अकॉर्डिंग टू इंडिया 20, व्हेन शुड गवर्नमेंट ग्रांट बी रिकॉग्नाइज बाय एन एंटिटी? एज सून एज द ग्रांट इज ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट? नो। वंस द एंटिटी फुलफिल द कंडीशन अटैचिंग टू द ग्रांट? नो। सर जब रीजनेबल एश्योरेंस आ जाएगा कि एंटिटी क्या है, सर जो कंडीशन है इन रिलेशन टू ग्रांट उन्हें पूरा कर लेगी। और सर सेकेंड आपका सर ग्रांट का अमाउंट हमें मिल जाएगा। दोबारा बोल देता हूँ सर, इस बात की रीजनेबल एश्योरेंस आ जाती है कि जो कंडीशन रिलेटिंग टू ग्रांट है हम उसे पूरा कर लेंगे और सर ग्रांट का अमाउंट मिल जाएगा। ठीक। अकॉर्डिंग टू इंडिया 20, when should the government grant be recognized by an entity? As soon as the grant is offered by the government? No. Once the entity fulfill the condition attached to the grant? No. ये आधा अधूरा है सर यहाँ पे ना। When there is reasonable assurance that the entity will comply with the condition and receive the grant? सर आपका ऑप्शन सी आ गया। सर which index provide guidance on accounting for government grant and disclosure of government assistance? सर आपका index 20। चले जी सर index 10 पे चलते हैं। इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड आर दोज इवेंट दैट अकर बिटवीन द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड एंड द डेट। सर जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर अप्रूव कर दिया जाता है, ठीक जी सर, आपका बाय द अप्रूविंग अथॉरिटी दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ कंपनी। व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? सर ए आ गया। अकॉर्डिंग टू इंडिया 10, व्हेन मैनेजमेंट ऑफ एन एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू इशू इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू ए सुपरवाइजरी बोर्ड फॉर इशू? सर इंडिया 10 के अकॉर्डिंग जब मैनेजमेंट क्या करता है सर एंटिटी का, रिक्वायर्ड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सुपरवाइजरी बोर्ड के पास भेजने के लिए फॉर इशू के लिए। ठीक जी सर। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेट टू अप्रूव व्हेन? शेयर होल्डर? नो। फाइल विद द रेगुलेटरी अथॉरिटी? नो। अप्रूव बाय द सुपरवाइजरी बोर्ड? नो। मैनेजमेंट अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इशू टू द सुपरवाइजरी बोर्ड? सर ये आ जाएगा, मैनेजमेंट अप्रूव जब कर देगा उसको। ठीक जी सर। आगे देखिए क्या लिखता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडेस 10 इज टू प्रेस्क्राइब द डिस्क्लोजर दैट एन एंटिटी शुड गिव अबाउट द डेट व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर अप्रूव्ड फॉर इशू। सर हमें डेट बतानी पड़ती है, बिल्कुल ठीक है। द डिस्क्लोजर अबाउट इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, बिल्कुल ठीक है। तो सर आपका ऑप्शन डी आ जाएगा, क्योंकि दोनों आ जाएंगे इसके अंदर ना सर। ठीक जी सर। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टार लिमिटेड फॉर फाइनेंशियल ईयर X1 X2 वर अप्रूव्ड बाई द बोर्ड फॉर इशू ऑन 24th May X2, ठीक है सर। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना स्टार लिमिटेड की X1 X2 के लिए, उसे बोर्ड ने अप्रूव किया सर 24th May को। द मैनेजमेंट डिस्कवर्ड ए मेजर फ्रॉड एंड डिसाइडेड टू रीओपन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है सर। उसने मैनेजमेंट ने क्या किया, एक मेजर फ्रॉड को डिस्कवर किया और डिसाइड किया कि बुक्स को दोबारा ओपन करते हैं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर सब्सिक्वेंटली अप्रूव बाई द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन 31st May। तो सर 31st May आपके लिए क्या बन जाएगी सर, डेट ऑफ अप्रूवल बन जाएगी। ठीक जी सर, ऑप्शन बी आ गया। What is the date of approval for issue of the financial statement prepared for the reporting period from 1st April to 31st March X2 in a situation where following dates are available? Completion of preparation of financial statement? No. Board review and approve? Sir, board ने जिस दिन approve कर दिया, option B आ गया। ठीक जी सर। Available for to shareholder as per sir Ind AS 10, sir जिस दिन board ने approve कर दिया, ठीक। On 15 January X2, Alpha Limited filed a suit against Beta Limited for recovery of 10 lakh. Sir, Alpha ने क्या किया, Beta के ऊपर केस कर दिया सर 10 lakh की recovery के लिए, ठीक जी सर। On 15th April X2, the court case confirmed that Beta Limited will have to pay the amount to Alpha Limited. Sir, 15 April को ये confirm हो गया कि Beta को क्या करना पड़ेगा सर, आपका Alpha को amount pay करना पड़ेगा। The financial स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑन 20th May। देखिए सर, इवेंट कब हुआ है आपका, आफ्टर बैलेंसी डेट बट बिफोर अप्रूवल डेट। और क्योंकि इस इवेंट कहेंगे सर कंटिजेंसी थी, क्योंकि केस सर आपका 31st March से पहले था, तो सर ये आपका एडजस्टेबल इवेंट बन जाएगा। बीटा को क्या करना पड़ेगा सर, प्रोविजन प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ 10 लाख इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बीटा लिमिटेड ऑन द रिपोर्टिंग डेट 31st March X2 एज पर इंडिया 10? सर प्रोविजन रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा आपका 10 लाख से, ऑप्शन सी आ गया। ठीक जी सर। चले हाँ जी। The management of a company decide and announced a plan to discontinue the operation and liquidate the company after the reporting date, ठीक है।
According to Ind AS 10, event after the reporting period, the company shall prepare its financial statement on a going concern. सर नहीं, गोइंग कंसर्न के बेस पर थोड़ा बनाएगी, क्योंकि मैनेजमेंट ने सर क्या फैसला कर लिया कि वो डिसकंटिन्यू कर देगा अपने ऑपरेशन को और लिक्विडेट कर लेगा. ठीक जी सर. नोट प्रिपेयर इट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन ए गोइंग कंसर्न बेसिस, बी आ गया. ए कंपनी एसके लिमिटेड टूक ए लोन, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक. सर एसके ने क्या किया, बैंक से लॉन्ग टर्म लोन लिया. ठीक है. बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग डेट देर इज ए ब्रीच इन द टर्म्स Which are material for this loan? Sir, reporting date से पहले सर एक ब्रीच कर दिया, और जो कि इस लोन के लिए मटेरियल है, इसका मतलब सर जो नॉन करंट लाइबिलिटी है वो करंट लाइबिलिटी में क्लासीफाई हो जाएगी. ठीक जी सर. द अमाउंट स्टैंड पेबल ऑन डिमांड बाई द कंपनी टू बैंक. ठीक है. और इसकी वजह सर क्या होगा, नॉन करंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी क्लासीफाई हो जाएगी. After the reporting date but before approval of the financial statement for issue, company entered into an agreement with the bank. Pursuant to which the loan is not payable on demand. Sir, बाद में क्या हुआ, अप्रूवल डेट से पहले सर एक सर एग्रीमेंट हो गया जिसमें सर लोन रिपेबल ऑन डिमांड नहीं, तो सर ये आपका एज पर Ind AS 10 एडजस्टेबल इवेंट माना जाएगा. दिस लोन विल बी ट्रीटेड एज एडजस्टिंग इवेंट. ठीक जी सर. On 15 अप्रैल X2 a major earthquake disrupted the entire operation of a reputed company. ठीक है. The company suffered huge loss due to the damage caused to its factory and other business premises. ठीक है. The company insurance policy does not cover the risk of loss arising from natural disaster. The company does not have sufficient internal fund or the availability of external finance to rebuild the infrastructure necessary for it to resume its business operation. मतलब एक तरीके से going concern affect हो चुकी है. The board of the company is also not sure about the future of the company. लिख भी दिया सर आगे question ने. The company has prepared the financial statement for the year ending 31st March X2, which is approved in the board meeting dated 20th April. ठीक है. How this event impact the financial statement of the company? Sir, ये event financial statement मतलब impact sir कैसे करेगा financial statement को? देखिए sir, जो financial statement है sir वो going concern के basis पर नहीं बनेगी और necessary disclosure देना पड़ेगा. Adjustment in the financial statement are required based on the fundamental change in the basis of accounting, not following going concern. बिल्कुल ठीक है. Disclosure is required. बिल्कुल ठीक है. तो sir आपका ऑप्शन डी आ जाएगा. मून लिमिटेड हैविंग इशूड शेयर कैपिटल ऑफ ₹15 लाख शेयर डिसाइडेड टू ऑफर टू ऑप्शन फॉर डिविडेंड पर शेयर. ठीक जी सर. आपका 10 बोतल ऑफ परफ्यूम है, फेयर वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू सर पर बोतल आपका 75 है. ऑप्शन सेकंड, देखिए सर मून ने क्या किया, अपनी जो शेयर कैपिटल थी ना उसकी 15 लाख की, सर उन्हें दो ऑफर दे दिए डिविडेंड के लिए ना. या तो क्या करेंगे सर, वो 10 बोटल ऑफ परफ्यूम ले लेंगे जिसकी एक बोटल की मार्केट वैल्यू सर 75 है, या फिर डिविडेंड सर वो कैश में ले लेंगे आपका 700. ठीक जी सर. प्रोबेबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर सेलेक्टिंग नॉन कैश विच इज आपका कैश ऑप्शन इज एस्टिमेटेड एट 60-40. मतलब सर आपका नॉन कैश और कैश ऑप्शन में 60-40 है. ठीक जी सर. कैलकुलेट द अमाउंट एट विच डिविडेंड शैल बी इनिशियली रिकॉग्नाइज. बिल्कुल ठीक है. लेटर ऑन इफ ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट द FMV of bottle is 90, okay, and accordingly the ratio for non cash and cash sir 80-20 ho gaya hai, then how much amount shall be debited to equity. theek to aap equity sir kitna amount sir debit karenge. dekhiye yahan pe sir question hai na, hame ye nahi bataya ki number of share kitne, to hum log 15 lakh ki capital pe hi calculate kar lenge. theek hai ji sir. ki ye per share hai kaise, matlab ek tarike se sir is capital ke upar dividend ka option hai. dekhiye 15 lakh ki capital ke upar option hai, आप 10 बोटल ले सकते हैं और एक बोटल से 750 आपका डिविडेंड इन काइंड हो जाएगा. ठीक जी सर. तो ये अमाउंट आ गया सर आपका 15 × 10 × 75 11250. इसकी प्रोबेबिलिटी सर इनिशियली कितनी है सर, 60% 6750. ठीक जी सर. सर 15 इंटू डिविडेंड अमाउंट है सर 700 का, 10,500 × 40% सर 4,200. तो इनिशियली सर जो अमाउंट रिकॉर्ड होगा आपका 10950 लैक्स में होगा. ठीक जी सर. तो यहां पे सर एक तो यही ऑप्शन दे रखा सर अभी तक, तो
लैक्स की अगर बात करें तो ऑप्शन सी यार अभी के हिसाब से तो अगली कैलकुलेशन करने की नीड भी नहीं लग रही, लेकिन हम फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं बाई चांस क्वेश्चन में ना, ये दो जगह दे रखा होता फिर क्या करेंगे। ठीक है जी सर। सर देखिए अब सर डेट ऑफ सेटलमेंट पे क्या सीन रहा सर, 15 इंटू आपका 10 इंटू 90 सर 13,500। इसकी प्रोबेबिलिटी जो थी मतलब आपका जो सेटलमेंट हुई सर 80% हुई है, प्रोबेबिलिटी जबकि 60% थी लेकिन 80% सर लोगों ने क्या किया सर इन काइंड डिविडेंट ले लिया शेयर होल्डर ने, मतलब 10,800 सर आपका 15 × 700 कैश है और इसकी जो सेटलमेंट परसेंटेज है सर वो 20% है, 12,900 माइनस सर 10,950 सर ये अमाउंट आ जाएगा आपका 195, ये आ गया सर। चले आगे जी सर, आगे बढ़ते हैं। इंडेस 33 अर्निंग पर शेयर, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर ए लिमिटेड। 1 जनवरी को सर शेयर इन इशू आपके 1 मिलियन ठीक है, प्रॉफिट सर आपका है 2 मिलियन ठीक है, एवरेज फेयर वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर सर आपका 8 है शेयर की वैल्यू। ठीक जी सर। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर अंडर ऑप्शन सर आपके 2 लाख है, एक्सरसाइज प्राइस सर आपका 6 है, तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर कितने बन जाएंगे सर 2 लाख × 6/8, ये रिसोर्स अभी आने हैं तो 50,000 सर आपके पोटेंशियल इक्विटी शेयर बन जाएंगे। ठीक जी सर। कैलकुलेट डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर सर 20 लाख / 10 लाख / 50,000 सर 1.904 है, तो ये आ गया ऑप्शन सी। ठीक जी सर। ए लिमिटेड हैज द फॉलोइंग ऑप्शन विद रिगार्ड टू इट्स ओन इक्विटी शेयर सर, हमें अपने इक्विटी शेयर का हमारे पास ऑप्शन है। ठीक जी सर। विच ऑफ दीज शुड बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर सर, अगर हम लोग इन द मनी रिटर्न पुट ऑप्शन में होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं उसे डीपीएस के लिए कंसिडर करते हैं। ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडेस 19 वाइल रिकॉग्नाइजिंग द एक्सपेंसिस फॉर द पेड लीव टू एम्प्लॉय विच आर कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर इफ अनयूटिलाइज। बड़े आराम से सर क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखता है क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख रहा सर कि जब आप एक्सपेंसिस रिकॉर्ड कर रहे थे ना पेड लीव के लिए एम्प्लॉय के लिए, जो कि कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर के लिए अगर वो अनयूटिलाइज है, सिर्फ नेक्स्ट ईयर के लिए बोला उसने। ठीक जी सर। एन एम्प्लॉय कैन यूटिलाइज सच कैरी फॉरवर्ड लीव एनी टाइम सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 30 एक्युमुलेटेड लीव। ठीक तो सर ये आपका अगर नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड तो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट बन गया। ठीक जी सर। हाउ शुड द कंपनी रिकॉग्नाइज रीमेजरमेंट ऑफ द लायबिलिटी कंप्राइजिंग द एक्चुअल गेन और लॉस। सर देखिए अगर कोई भी रीमेजरमेंट होता है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट में तो सर उसे हम क्या करते हैं पीएनएल अकाउंट के अंदर लेके जाते हैं। ठीक जी सर। फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम आइडेंटिफाई व्हाट मस्ट बी क्लासिफाइड एज अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट। सर आपने बताना है इसमें से कौन सी आइटम है सर जो आपका अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट के अंदर आएगी। पेड मैटरनिटी लीव सर शॉर्ट टर्म है, कैश बोनस पेबल इन अगस्त X3 फॉर ए रिजल्ट सर आपका शॉर्ट टर्म है, डेफर्ड कंपनसेशन पेबल 20 मंथ आफ्टर द पीरियड इन विच इट इज अर्न सर आपका लॉन्ग टर्म है, लमसम रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ 10 लाख सर ये आपका दैट वेस्ट आफ्टर 5 ईयर ऑफ सर्विस सर ये आपका रिटायरमेंट बेनिफिट हो गया एक तरीके से सर, ये आपका आ गया पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट, इसने पूछा लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो सर ऑप्शन सी आ गया। हाउ शुड वी ट्रीट मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव वाइल एक्यूरिंग लाइबिलिटी फॉर कंपनसेटेड अब्सेंस एज पर एक्चुअल वैल्यूएशन। सर हम उसे कैसे कंसिडर करेंगे सर, हम उसे एक्चुअल वैल्यूएशन में कभी कंसिडर करते ही नहीं क्योंकि सर एक्चुअल वैल्यूएशन तो आपका पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट का या फिर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का होता है। ठीक। डिपेंड ऑन द अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ द कंपनी नो, शुड बी इंक्लूडेड फॉर एक्चुअल वैल्यूएशन नो, शुड नॉट बी इंक्लूडेड फॉर एक्चुअल वैल्यूएशन सर ऑप्शन सी आ जाएगा क्योंकि सर ये आपके एक तरीके से शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट होते हैं। एन एंटिटी हैज डिसाइड टू इंप्रूव इट्स डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम। ठीक। एक एंटिटी ने सर डिसाइड किया कि वो क्या करेगी डिफाइंड बेनिफिट स्कीम को इंप्रूव करेगी। ठीक है। द बेनिफिट पेबल विल बी डिटरमाइंड बाय रेफरेंस टू 60 ईयर ऑफ सर्विस रेदर देन 80 ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है जी सर। सर जो आपका पहले बेनिफिट मिलता था 80 ईयर ऑफ सर्विस के बाद अब 60 ईयर ऑफ सर्विस के बाद मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक जी सर। एज रिजल्ट द डीम्ड बेनिफिट पेंशन लाइबिलिटी विल इंक्रीज बाय 2 करोड़। सर एक तरीके से आपका पास सर्विस कॉस्ट बन जाएगा, हम उसे पेनल अकाउंट में चार्ज कर लेते हैं। ठीक। द एवरेज रिमेनिंग सर्विस लाइफ ऑफ इट्स एम्प्लॉय इज 10 ईयर, द कंपनी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड टू हाउ शुड द इंक्रीज इन पेंशन लाइबिलिटी ऑफ 2 करोड़ बी ट्रीटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर पास सर्विस कॉस्ट है पेनल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। ठीक जी सर।
While accounting for a defined benefit obligation, there is net interest to be recognized in profit or loss. Based on the prevailing accounting practice, which of the following statement is true? Net interest cost shall be recognized as employee benefit. Sir, उसे हम employee benefit में भी लेके जा सकते हैं, finance cost में sir, depending on the policy of the company होता है, ठीक जी सर. Net interest cost shall be recognized as finance cost? No. मतलब ये आधा अधूरा आंसर है सर. Net interest cost shall be recognized as other expenses? The company has an accounting policy choice of recognizing net interest cost either in the employee benefit expenses or आपका finance cost. ठीक जी सर. Company सर क्या करेगी, अपनी policy बनाएगी और उसके according या तो employee benefit में या finance cost में लेके जाएगी. ठीक, चलिए जी. Ind AS 37. As per Ind AS 37, provision, contingent liability and contingent asset, where measurement uncertainty exists, sir, जहां पे measurement uncertainty exist करती है. Which one of the following method is not an appropriate valuation for a provision based on an Ind AS? The midpoint of the range? No. No valuation has no provision should be recognized where measurement uncertainty exists. Please ध्यान से बात सुनना. इसने पूछा इसमें से कौन सा appropriate valuation नहीं है. मैंने यहाँ पे no बोला था, मतलब ये appropriate है. No valuation as no provision should be recognized where measurement uncertainty exists. Sir, ये आपका appropriate valuation नहीं है. The obligation is estimated by weighting all possible outcome by their associated probability. बिल्कुल ठीक, expected value method लगता है. The most likely amount लगता है सर जहाँ पे आपका single obligation है. मतलब appropriate valuation सर option B में नहीं है. Which one of the following represent an appropriate discount rate for measuring a provision based on Ind AS? Market yield. सर हम हमेशा क्या करते हैं सर, प्री टैक्स रेट लेते हैं और आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है और जो रिस्क स्पेसिफिक टू द लाइबिलिटी को कंसिडर करता है. ठीक जी सर. मार्केट इल्ड ऑन हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड? नो. प्री टैक्स रेट दैट रिफ्लेक्ट करंट मार्केट असेसमेंट ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड द रिस्क स्पेसिफिक टू द लाइबिलिटी, ये आ जाएगा सर. ठीक जी सर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसी? सर आपने बताना इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है. प्लीज ध्यान देना, करेक्ट पूछा उसने. An item of contingent nature may be recognized. नहीं सर, हम तो उसे हमेशा डिस्क्लोज करते हैं. Ind AS 37 provision contingent liability and contingent asset apply to provision to perform land rehabilitation activity. बिल्कुल सर ये करेक्ट है. और देख लेते एक बार. Ind AS 37 provision contingent liability and contingent asset apply to contingent liability and contingent asset of insurer? No. Insurance contract सर आपका 37 में कवर नहीं होता. A present obligation exists in all circumstances where a company may have some choice in whether is नहीं सर, choice नहीं होती ना. Option B आ गया जो correct statement है. आगे लिखता है, as at 31st March X1, ABC Limited is involved in a legal dispute which one of its supplier in relation to the early termination of the exclusive license agreement between the two company. बात सुनिए, ABC Limited सर involved होती है एक legal dispute में अपने supplier के साथ, जिसमें सर उसने क्या किया, अर्ली टर्मिनेशन कर दिया सर एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस एग्रीमेंट का. ठीक है जी सर. द सप्लायर सीक्स डैमेज ऑफ 50 करोड़. द डायरेक्टर ऑफ एबीसी बिलीव दैट दे विल बी सक्सेसफुल इन डिफेंडिंग दिस आपका क्लेम. सर डायरेक्टर को विश्वास है कि हम इस क्लेम में सक्सेसफुल हो जाएंगे. तो हम लोग क्या करेंगे सर, अगर रिजल्ट नहीं आया तो सर मतलब आपका अप्रूवल डेट से पहले अगर रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि अप्रूवल डेट से पहले अगर रिजल्ट आ जाता सर तो फिर आपका एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा, हमें एज पर Ind AS 10 देखना पड़ेगा. ठीक. ABC lawyer have advised that there is 90% chance that the entity would not be made liable for this claim. तो हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ पे इसे एज ए contingent liability disclose करते हैं. ठीक. In accordance with Ind AS 37 provision contingent liability and contingent asset, which one of the following is the most appropriate option? सर डिस्क्लोज करेंगे एज ए contingent liability. Neither recognizing of provision nor disclosure of contingent liability. नहीं सर, contingent liability disclose करेंगे. आपका ऑप्शन बी आ गया. ठीक जी सर. चलिए आगे बढ़ते हैं सर. आपका Ind AS 108 है. एज पर Ind AS 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट, इफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन बोथ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए पेरेंट एज वेल एज पेरेंट सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड. ओनली इन द CFS आएगा सर. ऑप्शन ए. Entity A and Entity B both manufacture and distribute furniture and electrical product used in residential and commercial unit. ठीक है सर. Entity A और B दोनों क्या करती है, मैन्युफैक्चर भी करती है, डिस्ट्रीब्यूट भी करती है फर्नीचर और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल यूनिट के लिए. ठीक है. एंटिटी ए इज स्ट्रक्चर्ड सच दैट डिसीजन आर मेड एंड परफॉर्म इच इवेल्यूटेड ऑन ए रीजनल बेसिस. सर वो रीजनल बेसिस पे क्या करती है सर, अपना स्ट्रक्चर कर रखा सर उसने डिसीजन लेने का. ठीक जी सर. Whereas entity B makes decision and evaluate performance on a product line basis. Sir, entity B जो decision ले रही है evaluate कर रही performance को सर, वो product wise कर रही है, और entity A सर आपका regional base पे कर रही है. ठीक.
फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट. हाउ शुड एंटिटी ए एंड बी रिपोर्ट ऑपरेटिंग सेगमेंट एज पर इंड एस 108? ए एंड बी शुड रिपोर्ट सिमिलर ऑपरेटिंग सेगमेंट? नो, क्योंकि उनका सर जो डिसीजन लेने का स्ट्रक्चर है, परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करने का स्ट्रक्चर है सर, वो अलग है. ठीक जी सर. एंटिटी ए रिपोर्ट ऑपरेटिंग सेगमेंट बेस्ड ऑन रीजन, बिल्कुल ठीक है. एंटिटी बी रिपोर्ट शुड रिपोर्ट ऑपरेटिंग सेगमेंट बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट लाइन. ठीक जी सर. चलिए आगे बढ़ते हैं. सर आपका इंड एस 110, 103, 111, 27, 28 and 112. ठीक. कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंटेड. विद इन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी? नो. इन बिटवीन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी? नो. विद इन द पेरेंट शेयर होल्डर इक्विटी? नो. विद इन इक्विटी बट सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट शेयर होल्डर इक्विटी? बिल्कुल ठीक है सर. हम उसे इक्विटी के अंदर दिखाते हैं, लेकिन सर पेरेंट की इक्विटी से अलग दिखाते हैं. P owns a controlling investment of 70% of S during the year. ठीक है. P sold goods to S for 60,000 at cost plus 20%. ठीक जी सर. ध्यान देना सर, 60,000 cost नहीं है बल्कि selling price है. P ने S को सर 60,000 के goods बेच दिए हैं, और ये जो goods बेचे सर कैसे बेचे? Cost plus 20% पे. इसका मतलब सर selling price आपका कितने से हो जाएगा? 120 से. Let cost सर 100, profit 20. ठीक जी सर. At the year end, S still है हाफ ऑफ द गुड्स इन देयर इन्वेंट्री. ठीक जी सर. तो सर अगर हाफ गुड्स है तो 30,000 के गुड्स हो गए. स्टॉक रिजर्व सर आपका 1/6 के हिसाब से आ जाएगा, 5,000 अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आ गया, स्टॉक रिजर्व आ गया. ठीक जी सर. पी टोटल इन्वेंट्री एट ईयर एंड वाज रुपीज 120 एंड एस टोटल इन्वेंट्री सर आपका 80,000 है. तो टोटल इन्वेंट्री सर आपका पी और एस के कितनी है? 2 लाख माइनस सर आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 195 इन्वेंट्री आ जाएगी कंसोलिडेशन में, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. ठीक. How much inventory should be recognized in P consolidated statement of financial position? Sir, as per IFRS, balance sheet को statement of financial position बोला जाता है. तो balance sheet में सर कितना amount आएगा? सर आपका 195 का amount आ जाएगा. ठीक. चले जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं. A limited control another entity B limited. ठीक है. Owning 60% of its ordinary share capital. ठीक है. At the group year end 31st December X1. B include 6,000 in its receivable in respect of goods supplied to A. ठीक है. However, the payable of A limited include आपका 4,000 in respect of the amount due to B limited. 2,000 का difference है. The difference arose because on 31st December आपका A limited sent a check of 2,000. सर हम उसे क्या करेंगे? Cash in transit में दिखा देंगे 2,000 को. ठीक. Which was not received by B limited until 3rd January X2. Which one of the following set of consolidation adjustment to current asset and current liability is correct? सर हम क्या करेंगे? रिसेबल रिड्यूस कर देंगे 6,000 से. ठीक है. 4,000 से सर आपका पेबल रिड्यूस कर देंगे और सर 2,000 कैश इन ट्रांजिट दिखा देंगे. ठीक जी सर. सर ऑप्शन सी आ गया, क्योंकि यहाँ पे गुड इन ट्रांजिट लिखा सर, कैश इन ट्रांजिट होगा क्योंकि चेक भेजा गया. ऑन 1st March X2, क्यू लिमिटेड 30% ऑफ द शेयर ऑफ टी लिमिटेड. ठीक है. द आपका इन्वेस्टमेंट वॉज अकाउंट फॉर एज एन एसोसिएट इन क्यू consolidated financial statement. ठीक है. Both Q and T have an accounting year ending on 31st October X2. Q limited has no other investment in associate. ठीक है. Net profit for the year in T income statement for the year ended sir आपका 230 है. ठीक है. सर जो net profit आपका associate का वो 230 है. It declared and paid dividend of 1 lakh on 1st July X2. No other dividend were paid in the year. What amount will be shown as inflow in respect of the earning from and the associate in the consolidated cash flow statement? Sir, consolidated cash flow statement में कितना amount आ जाएगा? Sir, आपका 1 lakh into 30%. Sir, 30,000 का आपका dividend आ गया. तो option C आ गया. Are the right designed to protect the interest of the party holding right without giving power over the entity to which those right relate? Sir, protective right आ गया. Option D. चलिए आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट चैप्टर सर आपका इंड एस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन. पीक्यूआर होल्डिंग लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ईच ईयर. द अकाउंटेंट हैज रिक्वेस्टेड यूअर हेल्प टू आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज मस्ट बी अकाउंटेड फॉर एज ए बिजनेस कॉम्बिनेशन. पीक्यूआर होल्डिंग लिमिटेड परचेज 30% इक्विटीज इन टीपी लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी. पीक्यूआर लिमिटेड परचेज 45% इंटरेस्ट विच गिव्स इट्स कंट्रोल. सर जब कंट्रोल आएगा तभी हम लोग क्या करेंगे? बिजनेस कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई करेंगे. तो ऑप्शन बी आ गया. पीक्यूआर लिमिटेड परचेज वन ऑफ मैनी ब्रांड नेम एंड प्रोडक्ट ऑफ
TQ नो, PQR होल्डिंग लिमिटेड परचेज 30% इक्विटी एंड इन्वेस्ट इन डिवेंचर ऑफ TS लिमिटेड नो. क्वेश्चन टू, पी लिमिटेड एक्वायर्ड 100% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1st October, ठीक है, बाई वे ऑफ शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज, ठीक है, सर ध्यान देना 1st अक्टूबर को शेयर एक्वायर किए हैं. द प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ पी एंड एस फॉर द ईयर एंड 31st March 2018 आर 2,00,150 रिस्पेक्टिवली. अब ये देखिए सर, जो पी के प्रॉफिट है करंट ईयर के 2 लाख है, एस के प्रॉफिट सर आपके 1st October से हम कंसिडर करेंगे, तो 150 सर टोटल प्रॉफिट है, तो 6 मंथ के लिए सर हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे एज ए पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट सर, बाकी आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में चला जाएगा प्रॉफिट. ठीक जी सर, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट एक बार देखते हैं, और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में सर आपका 75,000 के प्रॉफिट चले जाएंगे. हाउ मच प्रॉफिट बिफोर टैक्स वुड बी शोन इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ पी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड इन अकॉर्डेंस विद इंड एस 103 से 275 आ गया. चले जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं. इंड एस 115, इंड एस 115 अप्लाई टू लीज कॉन्ट्रैक्ट विद इन द स्कोप ऑफ इंड एस 116, नो, इंड एस 116 लग जाएगा. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, नो. नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज बिटवीन एंटिटी इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, नो. सर डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस में अगर नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज है तो उसके ऊपर भी सर इंडेस 115 अप्लाई हो जाएगा. नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज बिटवीन एंटिटी इन डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस टू फैसिलिटेट सेल टू कस्टमर और पोटेंशियल कस्टमर, सर आपका ऑप्शन डी आ गया. विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर टू बी अकाउंटेड फॉर अंडर इंडेस 115. देखिए सर, सबसे पहला स्टेप क्या होता है इंडेस 115 में, हम आइडेंटिफाई करते हैं कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, उसमें सर जो कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हैं सर 5 क्राइटेरिया दे रखे हैं, तो इसने कहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है आपका क्राइटेरिया. ठीक जी सर, द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैव अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग ओनली, नहीं सर आपका ओरली भी हो सकता है, आपका सर बिजनेस कस्टमर प्रैक्टिस के हिसाब से भी हो सकता है, तो सर आपका ए आ गया जो नोट करेक्ट है. एंटिटी कैन आइडेंटिफाई ईच पार्टी राइट, बिल्कुल ठीक है. एंटिटी कैन आइडेंटिफाई द पेमेंट टर्म्स, बिल्कुल ठीक है. द कॉन्ट्रैक्ट हैज कमर्शियल सब्सटेंस, बिल्कुल ठीक है. इज द अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन टू व्हिच एन एंटिटी एक्सपेक्ट टू बी एंटाइटल इन एक्सचेंज फॉर ट्रांसफरिंग प्रोमिस गुड्स और सर्विस टू कस्टमर एक्सक्लूडिंग अमाउंट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी, सर ट्रांजेक्शन प्राइस इज द अमाउंट होता है जिसे सर एंटिटी एक्सपेक्ट करती है एंटाइटल के लिए. सर एक्सचेंज किसके एक्सचेंज में सर, आपका ट्रांसफरिंग प्रोमिस गुड्स और सर्विस के. ठीक जी सर, हाँ अगर कोई अमाउंट थर्ड पार्टी के बिहाफ पे कलेक्ट है सर वो यहाँ पे नहीं आएगा. वेयर द पेनल्टी इज इनहेरिटेंट इन डिटरमाइनिंग द ट्रांजेक्शन प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ फॉर्म पार्ट ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन. सर एन एंटिटी सेल अकाउंट फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन एज ए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट व्हेन, सर हम लोग मॉडिफिकेशन में सर सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मान के चलेंगे जब द स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ प्रॉमिस गुड्स और सर्विस, बिल्कुल ठीक है, एक कंडीशन होती है. सेकंड कंडीशन सर, द प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज बाय एन अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन दैट रिफ्लेक्ट द एंटिटी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ द एडिशनल प्रॉमिस गुड्स और सर्विस, सर दोनों आ जाएंगे कंडीशन, ऑप्शन डी आ गया. एज पर इंडेक्स 115 एन एंटिटी सेल कंबाइंड टू और मोर कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू और नियर इन द सेम टाइम विद द सेम कस्टमर एंड अकाउंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एज ए सिंगल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट आर नेगोशिएटेड एज ए पैकेज विद ए सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल सर ये कंडीशन है. द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू बी पेड इन वन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन द प्राइस और परफॉर्मेंस ऑफ द अदर कॉन्ट्रैक्ट, सर ये भी है. द गुड्स और सर्विस प्रोमिस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट आर ए सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, सर ये भी है, तो आपका ऑप्शन डी आ गया. टू डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस फॉर कॉन्ट्रैक्ट इन विच ए कस्टमर प्रोमिस कंसिडरेशन इन फॉर्म अदर देन कैश एन एंटिटी शैल मेजर द नॉन कैश कंसिडरेशन एट, सर आपका फेयर वैल्यू आ जाएगा. हम लोग क्या करते हैं सर, नॉन कैश कंसिडरेशन को सर फेयर वैल्यू पे कंसिडर करते हैं. ठीक जी सर, An entity has entered into a contract with a customer which does not meet the criteria for identifying the contract and the entity has received consideration from the customer. कहता है एक entity ने सर क्या किया, contract किया customer के साथ which does not meet the criteria for identifying the contract and the entity has received consideration from the customer. सर entity ने एक contract किया customer के साथ सर जो कि criteria जो कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करने का उसे पूरा नहीं करता, लेकिन एंटिटी ने सर क्या किया, कंसीडरेशन सर कस्टमर से रिसीव कर लिया. ठीक जी सर, इन सच ए केस द एंटिटी शैल रिकॉग्नाइज द कंसीडरेशन एज रिवेन्यू ओनली व्हेन द एंटिटी हैज नो रिमेनिंग ऑब्लिगेशन और टू ट्रांसफर गुड्स और सर्विस टू द कस्टमर एंड कंसीडरेशन प्रोमिस बाय द कस्टमर हैज बीन रिसीव्ड बाय द एंटिटी एंड इज नॉन रिफंडेबल, बिल्कुल सर. द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन टर्मिनेटेड एंड द कंसीडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर इज नॉन रिफंडेबल, सर ये भी बिल्कुल है, तो
दोनों आ गए ना, इन दोनों में से कोई भी एक आ गया, ठीक। द एंटिटी हैज नो रिमेनिंग ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर गुड्स और सर्विस टू द कस्टमर एंड ऑल और सब्सटेंशियली ऑल द कंसीडरेशन प्रॉमिस्ड बाय द कस्टमर हैज बीन रिसीव्ड बाय द एंटिटी एंड इज रिफंडेबल एंड इज रिफंडेबल। नो सर, आइदर ए और बी आ जाएगा, ऑप्शन डी आ गया। इंपेयरमेंट लॉस एज पर इंडियस 105 शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन, देखिए जो इंपेयरमेंट लॉस होता है ना कॉन्ट्रैक्ट असेट पे या ट्रेड रिसीवेबल पे, सर वो आपका पिनल अकाउंट में चार्ज होता है, ठीक जी सर। Which of the following costs shall be recognized as an asset while obtaining a contract with a customer if entity expect to recover those asset, those costs? Sir, sale commission आ गया, general and administrative overhead cost नहीं आएगा, cost of wasted material नहीं आएगा, cost that relate to past performance नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Ind AS 116, an entity is required to assess whether the contract is or contain a lease at inception date होता सर, inception of the contract, option C आ गया। द लीज पेमेंट शैल बी डिस्काउंटेड यूजिंग द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज और जनरल बोरिंग रेट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज और इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट, सर ऑप्शन सी आ गया। ए लेस इज रिक्वायर्ड टू मेजर द राइट ऑफ यूज असेट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनिशियली एट सर कॉस्ट प्राइस। लीज टर्म इंक्लूड द पीरियड कवर्ड बाई एन एक्सटेंशन ऑप्शन इफ एक्सरसाइज ऑफ दैट ऑप्शन बाई द लेसी इज, सर आपका रीजनेबल सर्टेन है। In case of a contract that contain a lease component and one or more additional lease or non-lease component, lessee is required to allocate the contract consideration to each lease component on the basis of their relative standalone price. According to Ind AS 116, lease liability does not include, sir, present value of fixed payment आएगा, sir बिल्कुल आएगा, guaranteed residual value sir बिल्कुल आएगा, unguaranteed residual value नहीं आता सर, ये आपका relevant point होता है आपका lessor के लिए, ठीक। लीज टर्मिनेशन पेनल्टी बिल्कुल आएगा। एन एंटिटी सेल रिवाइज द लीज टर्म इफ देर इज ए चेंज इन, सर एंटिटी जो है वो लीज टर्म को रिवाइज कर देगी अगर कोई भी चेंज आता है नॉन कैंसिलेबल पीरियड में, बिल्कुल सर। इकोनॉमिक लाइफ, सेकेंडरी पीरियड, यूजफुल लाइफ ऑफ द अंडरलाइंग असेट, सर ऑप्शन ए आ गया। अकॉर्डिंग टू इंड एस 116 द राइट ऑफ यूज असेट इन द बुक्स ऑफ द लेसी सेल बी डेप्रिसिएटेड ओवर द, सर आपका देखिए हम क्या करते हैं, अगर हमने असेट सर किस पे ली है, सर लीज पे ली है, तो सर उसे हम डेप्रिसिएट कैसे करते हैं, यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट और लीज पीरियड विच एवरेज लोअर, ठीक जी सर। और अगर अपने पास परचेज ऑप्शन है तो सर उसके हम क्या करते हैं, सर जो यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट होती है, लोअर ऑफ द लीज टर्म एंड द असेट यूजफुल लाइफ, सर ऑप्शन ए आ गया, क्योंकि सर यहाँ पे परचेज ऑप्शन के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कह रखा, ठीक जी सर। अकॉर्डिंग टू इंड एस 116 इनिशियल मेजरमेंट ऑफ द राइट ऑफ यूज डज नॉट इंक्लूड, सर लीज लाइबिलिटी आएगा बिल्कुल आएगा सर, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आएगा सर बिल्कुल आएगा सर, आपका एस्टिमेट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन सर बिल्कुल आएगा, कॉन्टिजेंट रेंट सर नहीं आएगा सर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखेंगे। एस सी लिमिटेड हैज टेकन ए बिल्डिंग ऑन लीज फ्रॉम आर ए लिमिटेड फॉर 10 ईयर टू ऑपरेट ए रेस्टोरेंट, सर एस सी ने क्या किया, एक बिल्डिंग को सर लीज पे लिया है आर ए से 10 ईयर के लिए रेस्टोरेंट को ऑपरेट करने के लिए, ठीक जी सर। As per the contract, SA has decision making right regarding all the operation and usage of the restaurant. ठीक सर, जो भी decision वगैरह सब SA limited लेगा, मतलब आपका सर लेसी के पास सर decision making power है, ठीक है। However, as per the contract, RA has a right to restrict SA limited from selling any kind of non-vegetarian item in the restaurant. सर यहाँ पे देखिए RA के पास सर right है, लेकिन वो सर आपका protective right है, अगर protective right है तो सर हम उसे सर कंसिडर नहीं करते, ठीक जी सर, टू आइडेंटिफाई की लीज है या नहीं है। द रिस्ट्रिक्शन राइट ऑफ आर ए लिमिटेड विल बिकम एक्साइजेबल ओनली आफ्टर 6 ईयर, लेकिन वो भी राइट से जो प्रोटेक्टिव है वो आपका 6 ईयर के बाद है। वेदर द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन ए लीज, कॉन्ट्रैक्ट कंटेन ए लीज फॉर 10 ईयर एज द राइट ऑफ द लेसर आर प्रोटेक्टिव इन नेचर, देखिए मेरे हिसाब से सर इसका जो आंसर आएगा ये ऑप्शन ए आएगा, लेकिन इंस्टीट्यूट ने सर जो इसका आंसर दे रखा वो बी दे रखा, मे बी उन्होंने एजम्पशन ले रखी हो कि ये जो आपका रिस्ट्रिक्शन है ये एक तरीके से SSR है सर आपका लेसर के पास। लेकिन मैं फिर से इस बात को बोलूंगा सर, क्योंकि यहां पे क्लियर लिखा कि सर राइट टू रेस्ट्रिक्ट है और ये प्रोटेक्टिव राइट के लिए ही होता सर राइट टू रेस्ट्रिक्ट, तो आंसर सर इसका ए आएगा, ठीक जी सर। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंड एस 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल कौन सा सर इसमें से, लैंड हेल्प फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री नो, बिल्डिंग रेंटेड आउट टू एम्प्लॉय एज स्टाफ क्वार्टर नो, लोन रेंटेड आउट टू थर्ड पार्टी फॉर इवेंट ओब्लिक प्राइवेट फंक्शन, सर यस आ जाएगा, पार्किंग लॉट अटैच टू लैंड ऑन विच द कंपनी फैक्ट्री इज कंस्ट्रक्टेड नो, सर ऑप्शन सी आ गया आपका।
AG Limited has purchased a commercial building, ठीक है, and let out the same to one of its subsidiary. सर AG ने क्या किया, एक कॉमर्शियल बिल्डिंग को परचेज किया और उसको सर अपनी सब्सिडरी को सर आपका लीज पे दे दिया, लेट आउट कर दिया, ठीक. हाउ इट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी दिखाया जाएगा सर आपका ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक. ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ द ग्रुप, ऑप्शन ए आ गया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स और सेल इन द और इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट फॉर सच सेल, नो. राइट ऑफ यूज असेट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी यूज फॉर बिजनेस पर्पज, नो. प्रॉपर्टी लीज टू अनदर एंटिटी फॉर फाइनेंस लीज, नो. राइट ऑफ यूज असेट रिलेटेड टू बिल्डिंग हेल्ड बाई एंटिटी एंड लीज आउट अंडर वन और मोर ऑपरेटिंग लीज, सर आपका ऑप्शन डी आ गया, ठीक जी सर. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आपने बताना सर कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मे बी क्वालिफाई असेट, बिल्कुल हो सकती है सर एज पर इंडिया 23. An entity is not required to capitalize the borrowing cost in respect of the investment property even if they are qualified, no. Investment property can be measured at fair value at each reporting date, nahi sir hum log kya karte sir cost base pe dikhate hain aur fair value ko sir disclose karte hain. Investment property measured at fair value is not appreciated or tested for impairment under Ind AS 40, no. Which of the following is not considered as a transfer from oblique to investment property, matlab hum log sir use ट्रांसफर करते हैं ना, तो मतलब ट्रांसफर फ्रॉम या टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे, ना तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से ट्रांसफर ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफर, ठीक नहीं मानेंगे. कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेटिंग लीज फ्रॉम अनडिटरमाइंड यूज, देखिए अगर प्रॉपर्टी का अनडिटरमाइंड यूज है तो सर वो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और सर आपका ऑपरेटिंग लीज पर अगर हम कमेंसमेंट करते हैं सर वो भी आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो ट्रांसफर फ्रॉम और टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सर हम इसे नहीं मानेंगे, ठीक जी सर ऑप्शन ए आ गया. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सर कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो उसे सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से अलग करती है. प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ सेल, सर ये तो आपका इन्वेंट्री हो गया. प्रॉपर्टी हेल्ड टू अर्न रेंटल और कैपिटल एप्रिसिएशन, सर ये अलग करती है. प्रॉपर्टी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, सर अगर प्रॉपर्टी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल तो इंड एस 105 में चली जाएगी, ठीक. प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, सर अगर प्रॉपर्टी को हमने हेल्ड किया है किस पर्पज के लिए, सर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, सर ये आपका ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बन जाएगी, मतलब इंडिया 16 इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, तो सर आपका ऑप्शन बी आ गया. एट व्हाट वैल्यू द रीक्लासिफिकेशन और ट्रांसफर बिटवीन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट आर मेड, सर हम लोग क्या करते हैं सर कैरिंग अमाउंट पर ट्रांसफर करते हैं, ठीक जी सर कैरिंग अमाउंट आ गया ऑप्शन ए. एजी इंडिया लिमिटेड यूज पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेटिव यूज एंड लेट आउट द रिमाइंडर पोर्शन, ठीक है. Which is not the right approach for dealing with this situation while accounting the books of the company in accordance with Ind AS 40. इसमें से आपने बताना सर कि right approach कौन सी नहीं है. हमने क्या किया सर, एक portion जो building का है उसे administrative purpose के लिए use किया और एक को सर हमने क्या किया, मतलब आपका lease out कर दिया, ठीक जी सर. Account for the portion separately if these portion can be sold separately. सर ये बिल्कुल ठीक है, हमें बताना right approach कौन सी नहीं है. An investment property portion could not be sold separately and insignificant portion can be held for administrative use. Sir, ये बिल्कुल ठीक है. An as owner occupied property portion could not be sold separately and insignificant portion is rent out. Sir, ये बिल्कुल ठीक है. It will be treated as right of use asset depending upon the significance of the self usage and let out. No, sir. Option D आ गया, ठीक जी सर आगे बढ़ते हैं. Real Estate Limited have acquired an investment property within the meaning of Ind AS 40. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक जी सर. सर रियल इस्टेट लिमिटेड ने क्या किया सर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर की एज पर इंड एस 40 सर, जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेफिनेशन क्वालिफाई कर रही, ठीक जी सर. द कंपनी हैज डिटेल ऑफ कॉस्ट एंड अदर रिलेटेड एक्सपेंसेस बट इट इज नॉट श्योर एज टू वट वुड बी द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द सेट आइटम, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. सर आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी इसमें से, ठीक. स्टार्टअप कॉस्ट आर नॉट टू बी कैपिटलाइज टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्सेप्ट केस वेयर they are necessary to bring the property to the condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management. ये बिल्कुल ठीक है सर, हमें करेक्ट बताना ना, हाँ करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. ऑपरेटिंग लॉस incurred बिफोर द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्टिव अचीव द planned लेवल ऑफ ऑक्यूपेंसी आर नोट टू बी कैपिटलाइज टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सर हम इनिशियली कॉस्ट में सर आपका ऑपरेटिंग लॉस नहीं लेते. एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल सर हम लोग नहीं लेते. लेबर एंड अदर रिसोर्सेज इनकर्ड इन कंस्ट्रक्टिंग और डेवलपिंग द प्रॉपर्टी आर नॉट टू बी कैपिटलाइज टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बिल्कुल ठीक है, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा सर आंसर. चले आगे, जी सर आइए आगे बढ़ते हैं.
ऑन 1st अप्रैल X1 एबीसी लिमिटेड परचेज ए न्यू हेड ऑफिस बिल्डिंग फॉर 60 करोड़। सर 1st अप्रैल X1 को एबीसी लिमिटेड ने क्या किया सर, एक न्यू हेड ऑफिस बिल्डिंग परचेज की 60 करोड़ की। ठीक जी सर। ऑन द सेम डे उसी दिन लीज्ड आउट टॉप 3 फ्लोर टू इट सब्सिडरी ऑन ए लॉन्ग टर्म ऑपरेटिंग लीज। सर इसमें से उसने क्या किया सेम डे पे ना 3 फ्लोर सर अपनी सब्सिडरी को लॉन्ग टर्म ऑपरेटिंग लीज पे दे दिया। ठीक जी सर। जो एनुअल रेंट रिसेबल है सर आपका 2 करोड़ है स्टार्टिंग फ्रॉम 31st मार्च X2। ठीक है। ऑन 1st अप्रैल X1 द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एस्टिमेट दैट द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग शुड बी एलोकेटेड 15 मिलियन टू द टॉप 3 फ्लोर, रिमेंडर ऑफ द बिल्डिंग 20 मिलियन एंड लैंड कंपोनेंट आपका 25 मिलियन। देखिए सर जो लैंड कंपोनेंट है वो कितने से है सर 25 से। सर आपका जो बिल्डिंग है ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी सर वो कितने से है आपका 20 मिलियन और सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सर आपका कितने से 15 मिलियन से। ठीक जी सर। ऑन 31st मार्च X2 द प्रॉपर्टी हैड ए फेयर वैल्यू ऑफ 64 मिलियन आउट ऑफ 25% वाज एट्रिब्यूटेबल टू द टॉप 3 फ्लोर। ठीक है। द यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग इज 60 ईयर। द कैरिंग अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन द सेपरेट स्टैंडर्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर देखिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो इसे क्या करें सर 60 ईयर के हिसाब से डेप्रिसिएट करें क्योंकि सर हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को सब्सिक्वेंटली कॉस्ट पे ही मेजर करते हैं तो फेयर वैल्यू की सर इरेलीवेंस यहाँ पे फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉग्निशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक जी सर। हाँ फेयर वैल्यू को हम डिस्क्लोज करते हैं, डिस्क्लोजर वैल्यू से नहीं मांगी तो सर 15/60 सर ये एक साल का डेप्रिसिएशन आ गया -15 सर 14.75 सर आपका कैरिंग अमाउंट आ गया। ठीक जी सर। चले जी सर आइए आगे बढ़ते हैं। इंडेस 101 फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडेस। देखिए क्या लिखता है अकॉर्डिंग टू इंडेस 101 व्हेन शुड द अकाउंटिंग अंडर इंडेस शैल बी अप्लाइड। सर इंडेस के अकॉर्डिंग सर अकाउंटिंग आप कब से अप्लाई करेंगे। ठीक। प्रोस्पेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ एडॉप्शन नो, रेट्रोस्पेक्टिव एट द टाइम ऑफ ट्रांजिशन टू इंडिया। सर हम लोग क्या करते हैं रेट्रोस्पेक्टिव जाते हैं, वो अलग बात है सर कि कुछ मैंडेटरी एक्सेप्शन है और कुछ सर आपका ऑप्शनल एग्जेम्पशन है लेकिन प्राइमरी बेसिस सर हम लोग क्या करते हैं सर मैंडेटरी मतलब रेट्रोस्पेक्टिव ले जाते हैं विद मैंडेटरी एक्सेप्शन एंड ऑप्शनल एग्जेम्पशन। अंडर इंडेस 101 व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ आइटम दैट आर नॉट परमिटेड टू बी रिकॉग्नाइज एज असेट और लायबिलिटी अंडर इंडेस। सर हम लोग उसे क्या करते हैं सर उसे डी रिकॉग्नाइज कर देते हैं। ठीक जी सर। शुड बी रिकॉग्नाइज एज असेट और लायबिलिटी नहीं, दे शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज एज असेट और लायबिलिटी इन द ओपनिंग इंडेस बैलेंस शीट। बिल्कुल ठीक है सर, मतलब उसे हम रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक जी सर। हाँ अगर ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा था और असेट और लायबिलिटी डेफिनेशन क्वालिफाई नहीं करते तो हम उसे डी रिकॉग्नाइज करते थे। ठीक जी सर। दे शुड बी रिकॉग्नाइज एज कॉन्टिजेंट नो, दे शुड बी रिकॉग्नाइज एज डेफर्ड नो। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए, उन आइटम का क्या ट्रीटमेंट करेंगे जो कि सर आपका रिकॉग्नाइज करना परमिटेड नहीं तो सर हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ यहाँ पे सर अगर एक लाइन ये लिखी होती इसकी जगह कि हम अगर ऑलरेडी रिकॉर्ड से डी रिकॉग्नाइज कर देंगे तो भी ठीक होता सर। ठीक। व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंडेस 101, इंडेस 101 का पर्पज क्या है, टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडेस। बिल्कुल सर। टू प्रोवाइड एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इन इंडेस नो, टू मैंडेट रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ इंडेस इन ऑल एरिया नो, टू ले डाउन ट्रांजिशन रिक्वायरमेंट फ्रॉम इंडेस टू इंडियन गैप नो। हम लोग क्या करते हैं सर एएस से इंडेस में आते हैं। ठीक जी सर। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरन एक्सचेंज रेट इंडेस 21। आइए क्वेश्चन नंबर 1। सी लिमिटेड इज ए न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल हैंडसेट। ठीक जी सर। सर सी लिमिटेड जो है वो आपका न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है एंगेज है सर बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल हैंडसेट में। ठीक है। सी फंक्शनल करेंसी इज द डॉलर। ठीक है। सी परचेज ए मशीन ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए यूरोपियन सप्लायर फॉर आपका $6 मिलियन। एट दिस डेट द एक्सचेंज रेट वाज सर आपका $1 $2 के बराबर है। ठीक है। सी डिड नॉट सेटल द ड्यू अंटिल इट्स रिपोर्टिंग डेट। सर सी ने रिपोर्टिंग डेट तक अपने ड्यू सेटल नहीं किए। एट दिस डेट द क्लोजिंग एक्सचेंज रेट सर आपका 1.5 हो गया। ठीक। सी फॉलो कोस्ट मॉडल फॉर मेजरिंग इट्स नॉन करंट असेट। सर वो नॉन करंट असेट के लिए क्या करता कोस्ट मॉडल फॉलो करता। ठीक जी सर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंडेस 21 फॉर द ईयर एंडेड। सर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए कोस्ट ऑफ द मशीन सर आपका 4 मिलियन नहीं सर देखिए 6 मिलियन की सर हमने मशीन को एक्वायर किया था और उस दिन सर कन्वर्जन रेट सर आपका 2 के हिसाब से था तो 3 मिलियन सर आपका कोस्ट ऑफ द मशीन आ जाएगा। ठीक जी सर। लेकिन सर क्योंकि पेमेंट अभी हुई नहीं है तो जो आपका ट्रेड पेबल है सर वो 6 है क्लोजिंग रेट के हिसाब से 1.5 सर 4 पे आपका कन्वर्ट हो जाएगा और एक्सचेंज लॉस सर हमें यहाँ पे $1 मिलियन का हो जाएगा। ठीक जी सर। कोस्ट ऑफ द मशीन 3 मिलियन सेकेंड मतलब बी ए तो आएगा ही नहीं क्योंकि इसमें 4 मिलियन लिखा हुआ है। ट्रेड पेबल सर आपका 4 मिलियन है बिल्कुल ठीक है। एक्सचेंज लॉस सर आपका 1 मिलियन है
सर ऑप्शन बी आ गया, हालांकि ऑप्शन सी में सर ये लाइन लिखी लेकिन लास्ट में सर एक्सचेंज लॉस बढ़ा दिया उन्होंने तो ये गलत हो जाएगा, ठीक ऑप्शन बी आ गया। पेरेंट पी ओन 80% ऑफ द नेट असेट ऑफ सब्सिडरी एस, सर यहां पे पी लिमिटेड है, यहां पे सर एस लिमिटेड, ठीक जी सर। एस फंक्शनल करेंसी इज द दिनार, ठीक है। एस वाज एक्वायर्ड ऑन 30th September X1, सर एस को एक्वायर किया था 30th September X1 को, बिल्कुल ठीक है। एंड इट्स नेट असेट फेयर वैल्यू सर कितनी थी, 40,000 थी, ठीक है। पी हैज रिकॉग्नाइज्ड ए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू सी यू आपका 10675 इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 10675 ये अमाउंट जो है पीसी पेड का है, देखिए 80% शेयर एक्वायर की, ठीक है। उस दिन सर जो नेट असेट की मतलब फेयर वैल्यू थी सब्सिडरी कंपनी की सर आपका 40,000 दिनार थी। पी हैज रिकॉग्नाइज ए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सर आपका 10675 है इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर गुडविल इज टू रिकॉग्नाइज इट ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, प्रोपोर्शनेट बेसिस हम क्या करें सर गुडविल को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो सर यहाँ पे पहले हमें क्या करना पड़ेगा सर इसे सी यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद सर इसका जो 80% अमाउंट आएगा सर उसके साथ कंपैरिजन करेंगे, ठीक। या फिर ऐसा कर सकते हैं सर इसका 20% अमाउंट इसमें ऐड कर देंगे और सर फिर जो अमाउंट है उसे माइनस कर देंगे तो डिफरेंस सर आपको गुडविल आ जाएगा, ठीक जी सर। एक्सचेंज रेट आर एज फॉलोज, 30th September को सर जो आपका एक्सचेंज रेट है सी यू 1 6.5 है और 31st December को सर आपका जो एक्सचेंज रेट है वो 6 के हिसाब से, तो हम लोग क्या करेंगे 6.5 के हिसाब से सर इसे कन्वर्ट करेंगे, 40,000 डिवाइड बाई 6.5 सर 6154, इसका 20% सर आपका आएगा 12311906 माइनस सर 6154 सर 5752 से गुडविल आ गए, ठीक जी सर। आगे देखिए कैलकुलेट द गुडविल टू बी रिकॉग्नाइज इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट एज एट 31st December सर ईयर एंड पे आपने बैलेंस बताना, तो हम ईयर एंड पे क्या करेंगे सर ईयर एंड के रेट के हिसाब से इसे रिवैल्यू कर लेंगे, ठीक जी सर। तो अगर मैं इसे दिनार में कैलकुलेट करूं तो ये सर दिनार में अमाउंट आएगा 5752 इंटू 6.5 सर 37388, इसे सर मैं अगर सी यू में कन्वर्ट करता हूँ ईयर एंड के रेट के हिसाब से तो सर ये आपका आएगा 6231। चले आगे जी सर, पर्सुएंट टू इंडिया 21 विच फैक्टर विल नॉट बी यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द एंटिटी फंक्शनल करेंसी, इसमें से सर हम लोग कौन सा फैक्टर सर यूज नहीं करेंगे जब एंटिटी क्या करेगी फंक्शनल करेंसी को डिटरमाइन करेगी। द करेंसी दैट प्राइमरली इन्फ्लुएंस द प्राइस एट विच गुड्स एंड सर्विस आर सोल्ड सर बिल्कुल कंसिडर करते हैं। द करेंसी इन विच द कॉस्ट ऑफ द एंटिटी आर मेनली डिनोमिनेटेड सर बिल्कुल कंसिडर करते हैं। द करेंसी विच इज यूज मोस्टली फॉर इंटरनेशनल ट्रेडिंग इन दैट इंडस्ट्री सर इसे हम कंसिडर नहीं करते। द करेंसी इन विच फंड्स फ्रॉम फाइनेंसिंग आर जनरेटेड सर इसे हम कंसिडर करते हैं, ठीक जी सर। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक्स वाई जेड लिमिटेड प्रीपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31st March X2 एक्स वाई जेड डिस्पोज्ड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इन ए फॉरेन ऑपरेशन, ठीक है। अप टू द डेट ऑफ डिस्पोजल एक्स वाई जेड हैड टू ट्रांसलेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फॉरेन ऑपरेशन फ्रॉम अनदर करेंसी फॉर इंक्लूजन इन इट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक। ड्यूरिंग प्रायर रिपोर्टिंग पीरियड 14,000 ऑफ आपका एक्सचेंज डिफरेंस गेन नेट ऑफ टैक्स हैड बीन रिकॉग्नाइज इन OCI इन द CFS, प्लीज ध्यान से लाइन पढ़ना, वो ये कह रहा है प्रायर रिपोर्टिंग पीरियड मतलब इस रिपोर्टिंग पीरियड से पहले मतलब आपका ओपनिंग बैलेंस था सर आपका OCI में 14,000, ठीक जी सर। ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड एंडिंग 31st March X2 3500 एक्सचेंज डिफरेंस गेन
नेट ऑफ टैक्स अप टू द डेट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द फॉरेन ऑपरेशन हैड बीन रिकॉग्नाइज इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। सर 3500 हमने OCI में इस साल रिकॉर्ड किया। मैं आपको बता दूं सर, जब हम लोग फॉरेन ऑपरेशन को डिस्पोज करते तो जो भी OCI का बैलेंस हम क्या करते सर, पीएनएल अकाउंट में लेके जाते, ट्रांसफर करते हैं। ठीक जी सर, इन केस ऑफ डिस्पोजल ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। ठीक, अप टू द डेट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द फॉरेन ऑपरेशन हैड बीन रिकॉग्नाइज इन OCI, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू दिस ट्रीटमेंट ऑफ द डिस्पोजल ऑफ द फॉरेन ऑपरेशन इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड। सर आपने बताना है इसमें सर कौन सी लाइन जो है करेक्ट है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वुड इंक्लूड एन एक्सचेंज डिफरेंस नेट ऑफ गेन 3500। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वुड इंक्लूड ए रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वुड इंक्लूड ए रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट। सर नेट ऑफ टैक्स आपका 17500। सर आपका ऑप्शन सी आ गया। ठीक जी सर, चले हाँ जी आइए आगे बढ़ते हैं। जेड लिमिटेड इंपोर्टेड एन आइटम ऑफ पीपी मशीनरी कॉस्टिंग $1,00,000। ठीक है, द एक्सचेंज रेट एज एट द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी इन इंडिया वाज 60। तो हमने क्या किया होगा सर, पीपी 60,00,000 पे रिकॉर्ड कर लिया होगा। ठीक जी सर, हाउएवर एट द टाइम ऑफ रेमिटिंग द पेमेंट टू द फॉरेन वेंडर द एक्सचेंज रेट वाज 62। तो हमने जो पेमेंट की होगी 62,00,000 की पेमेंट की होगी, तो 2,00,000 का सर एक्सचेंज लॉस हो गया, जिसे हम क्या करेंगे पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक जी सर, चार्ज कर लेंगे। द एक्सचेंज रेट 62, अकॉर्डिंगली जेड लिमिटेड पास जर्नल एंट्री डेबिटिंग वेंडर अकाउंट फॉर 60,00,000। बिल्कुल ठीक है, डेबिटिंग एक्सचेंज लॉस 2,00,000 एंड क्रेडिटिंग बैंक अकाउंट 62,00,000। बिल्कुल ठीक है, एट द फर्स्ट बैलेंस शीट आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ द एफोरसेट प्लांट एंड मशीनरी। बिल्कुल ठीक है, जेड लिमिटेड to use the revolution model। सर अगर entity revolution model भी follow करते तो उस केस में सर ये जो exchange gain या loss है तो P&L account में ही जाएगा। अगर revolution model follow करते तो उस केस में क्या होगा सर, जिस date पे revolution model मतलब revalue करते हम आपका asset को PPE को, उस date पे सर जो fair value होगी उसका comparison सर carrying amount के साथ करेंगे और जो difference होगा सर आपका OCI में चला जाएगा। ठीक जी सर, the accounting treatment as per Ind AS 21 as regard the exchange loss of 2,00,000। सर इसके regard में पूछ रहा हूँ, ये तो सर आपका P&L account में ही जाएगा क्योंकि monetary item के ऊपर है। 2,00,000 being a realized gain exchange loss on a monetary item, it should be recognized in profit or loss account। सर इसे हम क्या करेंगे P&L account के अंदर ही लेके जाएंगे। ठीक जी सर, चलिए। In context of Ind AS 21, which of the following is not a monetary item? Cash and bank balance सर आपका monetary item है, not monetary पूछा उसने ना। Fixed deposit सर आपका monetary item है, shareholder equity सर आपका non monetary, account payable सर आपका monetary है। चलिए आगे बढ़ेंगे। Ind AS 105, the result of discontinued operation should be disclosed under single amount in the statement of P&L। बिल्कुल सर, discontinued operation को हम लोग क्या करते हैं, उसका जो result होता है सर उसे हम डिस्क्लोज करते हैं आपका सिंगल अमाउंट इन P&L में। ठीक, ऑप्शन ए आ गया। SA Limited acquire a subsidiary RA Limited। सर SA ने क्या किया, एक सब्सिडरी acquire की RA Limited। ठीक है, exclusively with a view of selling it। सर purpose क्या था, वो इसे बेच देगी। ठीक, द सब्सिडरी मीट द क्राइटेरिया टू बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, द सब्सिडरी रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द क्लोज ऑफ द ईयर, इट विल बी वैल्यूड एट सर आपका लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू एज कॉस्ट टू सेल। ठीक जी सर, सेम प्रिंसिपल आ जाएगा जो नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल के लिए होता है। ठीक जी सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखता है, एज पर इंड एस 105 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड एज ए कॉस्ट टू सेल। सर फाइनेंस कॉस्ट हम कॉस्ट टू सेल में अलाउ नहीं करते, ऑक्शनरी कमीशन, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, लीगल फी, सर ये सब कॉस्ट टू सेल में आ जाता है। ठीक जी सर, SA लिमिटेड बोट 30% शेयर इन RA लिमिटेड विद ए व्यू ऑफ सेलिंग दैट इन्वेस्टमेंट विद इन 6 मंथ। ठीक है, तो सर ये आप नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल की कैटेगरी में आ जाएगा। द इन्वेस्टमेंट हैज बीन क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल इन अकॉर्डेंस विद Ind AS 105, हाउ शुड द इन्वेस्टमेंट बी ट्रीटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी, इट शुड बी अकाउंटेड एज पर द इक्विटी मेथड, नो, द सेट एंड लाइबिलिटी शुड बी प्रेजेंटेड सेपरेटली फ्रॉम अदर सेट इन द बैलेंस शीट अंडर Ind AS 105। बिल्कुल ठीक है, द इन्वेस्टमेंट शुड बी डेल्ट विद अंडर Ind AS 29, नो, परचेज अमाउंटिंग शुड बी यूज फॉर दिस इन्वेस्टमेंट, नो, ए डिस्पोजल ग्रुप इज ए ग्रुप ऑफ असेट टू बी डिस्पोज इन ए वन सिंगल ट्रांजेक्शन। बिल्कुल ठीक है सर, फॉलिंग इन CGU बींग पार्ट ऑफ डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन हैविंग नो डिस्पोजल कॉस्ट। सर आपका ऑप्शन ए आ गया, नॉन करंट असेट इज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल इफ इट इज अवेलेबल फॉर आपका इमीडिएट सेल एंड सेल इज हाईली प्रोबेबल। सर आपका ऑप्शन सी आ गया, गेन और लॉस ऑन रीमेजरमेंट ऑफ आपका नॉन करंट असेट
एज हेल्ड फॉर सेल विच डज नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन शुड बी इंक्लूडेड इन प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। बिल्कुल ठीक है सर। देखिए सर, अगर हम लोग गेन और लॉस कैलकुलेट करते हैं रीमेजरमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल पे, जो कि सर आपका डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की डेफिनेशन क्वालिफाई नहीं करते सर, उसे हम कहाँ दिखाते सर? कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में सर आपका पी एंड एल अकाउंट के अंदर प्रॉफिट और लॉस का नाम से दिखाते हैं। ठीक जी सर, चलिए। हाउ टू मेजर ए नॉन करंट असेट और डिस्पोजल ग्रुप दैट सीज टू बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल? सर एक नॉन करंट असेट है या आपका डिस्पोजल ग्रुप है जो सर क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल था, अब वो सीज हो गया। लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट विच वुड हैव बीन हैड द असेट नॉट बीन क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, बिल्कुल ठीक है। और सर उसका कंपेरिजन करते हैं रिकवरेबल अमाउंट के साथ, एंड रिकवरेबल अमाउंट एट द डेट ऑफ सब्सिक्वेंट डिसीजन नॉट टू सेल और डिस्ट्रीब्यूट। सर आपका ऑप्शन ए आ गया। लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ द असेट सीज टू बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल एंड रिकवरेबल अमाउंट, नहीं सर हम ये देखते हैं कि अगर इसे हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई नहीं करते तो व्हाट वुड बी द कैरिंग अमाउंट, ये आ जाएगा ना सर। हाउ टू प्रेजेंट नॉन करंट असेट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल इन द बैलेंस शीट? सर हम उसे सेपरेटली दिखाते अदर असेट से, ठीक, सेपरेटली फ्रॉम अदर असेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट ऑफ टू क्लासिफाई एन असेट एज हेल्ड फॉर सेल? सर इसमें से कौन सी रिक्वायरमेंट नहीं है असेट की क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल के लिए? एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट हैज एन इंटेंशन टू सेल द असेट, एक्टिव प्रोग्राम टू लोकेट ए बायर हैज बीन इनिशिएटेड, एक्टिवली मार्केटेड फॉर सेल एट ए रीजनेबल प्राइस, इट इज लाइकली दैट सिग्निफिकेंट चेंज टू प्लान, सर इनसिग्निफिकेंट चेंज होता है, तो आपका नोट रिक्वायरमेंट सर आपका ऑप्शन डी आ गया। ठीक जी सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडेस 24 एस लिमिटेड हैज 70% सब्सिडरी एच लिमिटेड एंड इज ए वेंचर इन टेक्सटोटेक ए ज्वाइंट वेंचर कंपनी। ठीक जी सर, देखिए सर एस की एक सब्सिडरी है एच, कितने परसेंट शेयर ले रखे हैं सर? 70%। और सर एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है टी। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 31st March 2018 एस सोल्ड गुड्स टू बोथ द कंपनी। सर एस ने क्या किया? दोनों कंपनी को सर गुड्स सेल कर दिए। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रीपेयर्ड कंबाइनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एस एंड एच, ठीक है, अंडर इंडेस 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एस फॉर द ईयर एंडेड डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन विद, सर दोनों कंपनियों के साथ जो ट्रांजेक्शन हुई है एच और टी, ऑप्शन डी आ गया। ठीक जी सर। मिस्टर के ओन ऑल ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ एनटीटी एल। सर मिस्टर के ने 100% शेयर ले रखे एनटीटी एल के, ठीक है। He is also a member of the KMP. मतलब आपका जो मिस्टर के है सर वो कंट्रोल करता है एंटिटी एल को, और सर KMP है एंटिटी एम का, ठीक, ऑफ द KMP ऑफ एंटिटी एम विच इन टर्न ओन ऑल ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ एंटिटी एन। तो एंटिटी एन के सर 100% शेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप फ्रॉम द अबाउट स्ट्रक्चर? के इज नॉट रिलेटेड पार्टी ऑफ एल एंड एम। सर के तो सबका रिलेटेड पार्टी, और इवन सर अगर आप देखेंगे तो एल और एम और एल और एन ये रिलेटेड पार्टी है। ऑप्शन सर बी सी डी, डी में सर बोथ आ गया। ईरा इज ए डायरेक्टर ऑफ टाइटेनिक लिमिटेड। मतलब केएमपी। सी ऑल्सो ओन 60% ऑफ जी लिमिटेड। मतलब सर कंट्रोल आ गया, यहाँ पे केएमपी है, यहाँ पे सर आपका कंट्रोल है, तो दोनों पार्टी आपस में रिलेटेड पार्टी बन जाएंगी। एंड इज ए डायरेक्टर ऑफ बट नॉट ए शेयर होल्डर इन एफ लिमिटेड। सर एफ में वो आपका डायरेक्टर है, आपका एफ लिमिटेड में सर वो डायरेक्टर है, बट एंड इज ए डायरेक्टर ऑफ बट नॉट ए शेयर होल्डर इन एफ लिमिटेड, ठीक है, तो सर यहां पे भी वो केएमपी है। ईरा हस्बैंड इज द सोल शेयर होल्डर इन के लिमिटेड।
सर यहाँ पे आपका इसके रिलेटिव है, मतलब हस्बैंड है, और वो सर आपका सोल शेयर होल्डर है के का, तो 100% सर शेयर उसने के होल्ड कर रखा है। ठीक जी सर। इरा डॉटर होल्ड 6% ऑफ द शेयर इन बी लिमिटेड, रिलेटिव डॉटर आपका 6% शेयर है सर किसमें, बी लिमिटेड में। ठीक है। द ओनली इन्वॉल्वमेंट सी हैज द कंपनी इज टू रिसीव डिविडेंड। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी वुड बी क्लासिफाइड अंडर इंड एस 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर एज रिलेटेड पार्टी ऑफ टी लिमिटेड। सर इसके रिलेटेड पार्टी हमें बताना है। सर बी लिमिटेड रिलेटेड पार्टी नहीं होगी, एफ लिमिटेड से रिलेटेड पार्टी नहीं होगी क्योंकि दोनों में केएमपी है। सर जी लिमिटेड रिलेटेड पार्टी बन जाएगी क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल है, और सर यहाँ पे भी कंट्रोल है रिलेटिव का, तो सर ये रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। तो सर एक और तो ये दोनों रिलेटेड पार्टी बन जाएंगी, जी लिमिटेड एंड के लिमिटेड, जी लिमिटेड एंड के लिमिटेड। चलें आगे। जी सर चलिए। इंड एस वन, एन एंटिटी सेल प्रेजेंट ए थर्ड बैलेंस शीट एज एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड इन एडिशन टू द मिनिमम कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ इट अप्लाई एंड अकाउंटिंग पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिव। बिल्कुल ठीक है। इफ देर इज ए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट नो, करेक्शन ऑफ प्रीवियस ईयर एरर। सर अगर प्रीवियस ईयर के एरर है, सिर्फ प्रीवियस ईयर के लिखा सर यहाँ पे, अर्लियर ईयर के नहीं, तो सर यहाँ पे भी आपका थर्ड बैलेंस शीट नहीं बनेगी, तो आपका ऑप्शन ए आ गया। हाँ अगर मान लो सर आपका एरर होती एक साल से ज्यादा की ना, तो सर उस केस में फिर हम लोग क्या करते सर, फिर आपका ऑप्शन डी आ जाता। ठीक जी सर। एज पर इंडेस वन द अमाउंट इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम विल नॉट बी रिक्लासीफाइड सब्सिक्वेंटली प्रॉफिट और लॉस। सर एक पार्ट होता है इसका, बी क्लासिफाइड सब्सिक्वेंटली टू प्रॉफिट और लॉस व्हेन स्पेसिफिक कंडीशन आर मेट। सर ये भी एक पार्ट होता है, तो बोथ ए एंड बी आ जाएगा। ठीक जी सर चले। हाँ जी। एन एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद इंडिया शैल मेक एन एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व स्टेटमेंट ऑफ आपका सच कंप्लाइंस इन द नोट्स, एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व। इंडेस वन अप्लाई टू ऑल एंटिटी एक्सेप्ट दोज दैट प्रेजेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नहीं सर, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सर अप्लाई होता है, दोज प्रेजेंट सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर उसके ऊपर भी अप्लाई होते हैं, बोथ ऑफ द अबव। सर इसने पूछा एक्सेप्ट, नन ऑफ द अबव आ जाएगा। एन एंटिटी प्रेजेंट एन एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट और लॉस यूजिंग ए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एक्सपेंसेस मेथड। बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्लासिफिकेशन यूजिंग द नेचर ऑफ एक्सपेंसिस। सर इसमें से कौन सा खर्चा ऐसा है जिसको सर हम नेचर ऑफ एक्सपेंसिस के हिसाब से क्लासीफाई नहीं करते। आपका सर एम्प्लॉय बेनिफिट सर बिल्कुल क्लासीफाई करते नेचर के हिसाब से। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस सर आंसर आ जाएगा क्योंकि अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन का भी हम लोग क्या करते सर आपका नेचर ऑफ एक्सपेंसेस के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंडेस वन इज इंपॉर्टेंट फॉर सर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ए आंसर अधूरा है, बी आंसर अधूरा है, सी प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक जी सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी इज नॉट मैंडेटरी टू बी डिस्प्लेड प्रोमिनेंटली एंड इज टू बी रिपीटेड व्हेन नेसेसरी फॉर द इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड टू बी अंडरस्टैंडेबल। नेम ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी और अदर मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड एनी चेंज इन दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीसीडिंग रिपोर्टिंग पीरियड। सर बिल्कुल हमें सर मैंडेटरी सर डिस्प्ले करना होता है, इसने नॉट मैंडेटरी पूछा सर। वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर द इंडिविजुअल एंटिटी और ग्रुप ऑफ एंटिटी। सर बिल्कुल। इक्विटी पैटर्न शोइंग द नेम ऑफ द मेजर शेयर होल्डिंग। सर देखिए नेम ऑफ द मेजर शेयर होल्डिंग सर आपका इंडेस वन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेवल ऑफ राउंडिंग यूज इन प्रेजेंटिंग अमाउंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर आपका बिल्कुल प्रेजेंट करना पड़ता है, आप राउंडिंग ऑफ को क्या करते हैं प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसका लेवल क्या है। एन इन अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ द एंटिटी कैन नॉट बी रेक्टिफाइड बाई द फॉलोइंग वे। सर देखिए इन अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी सर हम कैसे भी सर फॉलो नहीं कर सकते। ठीक। कैनॉट बी रेक्टिफाइड बाई द फॉलोइंग वे डिस्क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी यूज बाई नोट्स एक्सप्लेनेटरी मटेरियल। आपका ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। चले जी सर आइए। इंड एस 34 द स्टैंडर्ड डिफाइन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट एज ए फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर एन इंटरिम पीरियड दैट कंटेन ए सेट ऑफ। सर आपका कंप्लीट आ सकता है या सर आपका कंडेंस्ड आ सकता है। ठीक जी सर ऑप्शन डी। अकॉर्डिंग टू इंड एस 34 इंटरिम पीरियड इज ए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड। सर आपका शॉर्टर देन ए फुल फाइनेंशियल ईयर से आ जाएगा। ठीक जी सर प्लीज ध्यान देना ऑप्शन बी आएगा, शॉर्टर देन ए फुल फाइनेंशियल ईयर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मिनिमम कंपोनेंट ऑफ एन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट. सर इसमें से कौन सा मिनिमम कंपोनेंट नहीं है आपका इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट का? कंडेंस्ड बैलेंस शीट बिल्कुल है सर. कंडेंस्ड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बिल्कुल है सर. कंडेंस्ड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बिल्कुल है सर. कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड सर आपका ऑप्शन डी आ गया. एन एंटिटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर एज द कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर एन इंटरिम पीरियड सर फॉल्स है. हमें सर क्या करना होता है सर बेसिक और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर सर डिस्क्लोज करनी पड़ती है. ठीक जी सर इंटरिम पीरियड के लिए ना. Ind AS 34 mandate the following in relation to interim financial report. Which entity should publish? No sir. Ind AS 34 तो बल्कि क्या करता है सर प्रोसीजर बताता है. ठीक कौन एंटिटी बनाएगी कितनी फ्रीक्वेंटली बनाएगी सर कब तक प्रेजेंट करना पड़ेगा ये सब बातें सर Ind AS 34 के दायरे से बाहर है. Ind AS 34 तो ये कहता है कि अगर आप इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा सर आपको ना प्रोसीजर जो है ये फॉलो करना पड़ेगा. Ind AS 34 mandate the following in relation to interim financial report सर none of the above आ जाएगा. इनकम टैक्स एक्सपेंसिस शुड बी एक्यूड यूजिंग द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द वेटेड एवरेज एनुअल इनकम टैक्स रेट एक्सपेक्टेड फॉर द इंटरिम पीरियड. नो सर आपका फुल फाइनेंशियल ईयर आएगा ऑप्शन सी आ गया. ठीक जी सर. एन एंटिटी मे रिवर्स एन इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज इन प्रीवियस इंटरिम पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल इन द सबसिक्वेंट पीरियड. नो सर कभी भी सर एक बार अगर गुडविल इंपेयर हो जाती है उसको हम रिवर्स नहीं करते फॉल्स आ गया. इफ एन एंटिटी पब्लिश a set of condensed financial statement in its interim financial report, those condensed statements shall include a minimum each of the heading and subtotal that were included in the most recent annual financial statement and the selected explanatory notes as required by the standard. Bilkul true sir. An entity prepare quarterly interim financial report in accordance with Ind AS 34. Theek hai. The entity is engaged in sale of mobile phone and normally 5% of the customer claim on देर वारंटी. सर कस्टमर क्या करते हैं 5% सर अपना वारंटी क्लेम करते हैं. ठीक जी सर जो भी सेल वैल्यू होती है मतलब ये एक्सपेक्टेड सर वारंटी ना कि जो भी हम सेल कर रहे हैं कस्टमर 5% तक क्या करेगा वारंटी का क्लेम करेगा. ठीक द प्रोविजन इन द फर्स्ट क्वार्टर वाज कैलकुलेट एज 5% ऑफ द सेल टू डेट विच वाज 10 million. तो सर हमने कितना प्रोविजन क्रिएट किया होगा आपका 0.5 million. देखिए सर अकाउंटिंग एस्टिमेट में हम चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं करंट ईयर के लिए. सर हम क्लोजिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग के साथ कंपैरिजन करते हैं और सर करंट जो डिफरेंस होता है वो करंट ईयर का आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट का अमाउंट आ जाता है. ठीक जी सर. ऑन द सेम ट्यूनिंग सर अगर हम इंटरिम पीरियड बना के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हम लोग क्या करें सर इंटरिम पीरियड के एंड पे सर प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे क्यूमुलेटिव और ओपनिंग उसमें से माइनस करते हैं. ठीक हाउएवर इन द सेकंड क्वार्टर ए फॉल्ट वाज फाउंड एंड वारंटी क्लेम वर एक्सपेक्टेड टू बी 10% फॉर द होल ऑफ द ईयर. ठीक सर एक फॉल्ट मिला और जो वारंटी क्लेम है सर वो 10% आपका एक्सपेक्टेड है होल ऑफ द ईयर का. ठीक सेल इन द सेकंड क्वार्टर वर 15 million. ओके तो 15 सेकंड क्वार्टर में आपका 10 सर फर्स्ट क्वार्टर में थी 25% सर आपका 10% है तो 2.5 का सर क्लोजिंग प्रोविजन आ गया. ओपनिंग प्रोविजन सर 0.5 है तो सर 2 million का आप क्या करेंगे सर अमाउंट चार्ज कर लेंगे. ठीक वट वुड बी द प्रोविजन चार्ज इन द सेकंड क्वार्टर इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर 2 million आ गया. Which of the following event and transaction is not mandatorily required to disclose in interim statement in accordance with Ind AS 34? The reversal of any provision for the cost of restructuring, sir, mandatorily hai. The assumption used in the actual valuation of defined benefit plan, sir, ye aapko mandatory nahi hota interim period ke liye. Acquisition and disposal of item of PP, mandatory. Litigation settlement, sir, aapka mandatory hai. Ind AS 8, question 1. Which of the following shall be considered as a change in accounting policy? Sir, hum isme se किसे अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज मान के चलेंगे. द एप्लीकेशन ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ट्रांजैक्शन अदर इवेंट और कंडीशन दैट डिफर इन सब्सटेंस फ्रॉम दोज प्रीवियसली अकरिंग. देखिए अगर कोई ट्रांजैक्शन इवेंट पहले हुआ था और अब सर जो ट्रांजैक्शन इवेंट हुआ है वो सब्सटेंशियली उससे अलग है तो सर उसे हम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं मानते. ठीक द एप्लीकेशन ऑफ ए न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ट्रांजैक्शन अदर इवेंट और कंडीशन दैट अकर प्रीवियसली और मटेरियल सर ऑप्शन बी आ जाएगा. The selection and application of accounting policy for similar transaction, other event and condition shall be. देखिए सर हम लोग क्या करते हैं कंसिस्टेंट बेस पे फॉलो करते हैं लेकिन सर अगर मान लो इंडिया स्पेसिफिकली रिक्वायर करता है या परमिट करता है सर कैटेगराइजेशन ऑफ आइटम फॉर विच डिफरेंट पॉलिसी में भी अप्रोप्रिएट. ठीक जी सर. द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर सिमिलर ट्रांजेक्शन अदर इवेंट एंड कंडीशन शैल बी कंसिस्टेंट अनलेस एंड इंडिया स्पेसिफिकली रिक्वायर एंड
और परमिट कैटेगराइजेशन ऑफ आइटम फॉर विच डिफरेंट पॉलिसी में भी अप्रोप्रिएट, सर ऑप्शन बी आ गया। कंसिडेंट ऑफ ओनली इफ इंडिया स्पेसिफिकली आपका रिक्वायर और परमिट कैटेगराइजेशन ऑफ आइटम फॉर विच डिफरेंट पॉलिसी आर नॉट अप्रोप्रिएट, नो। कंसिस्टेंट अनलेस द पॉलिसी इज नॉट फेवरेबल टू एंटिटी, नो। अप्लाइंग ए न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी टू ट्रांजेक्शन अदर इवेंट एंड कंडीशन एज इफ दैट पॉलिसी हैड ऑलवेज बीन अप्लाइड इज कंसिडर्ड एज, सर रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, ठीक जी सर, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन हम क्या मान के चलते हैं कि जो आपने पॉलिसी अब अप्लाई की है वो शुरू से अप्लाई हो रही है सर, ठीक जी सर। अकॉर्डिंग टू इंडिया सेट प्रायर पीरियड एरर शैल बी करेक्टेड, सर रेट्रोस्पेक्टिवली, ऑप्शन बी, ठीक जी सर। सम न्यू स्टैंडर्ड एंड अमेंडमेंट हैव बीन इशूड इन द मंथ ऑफ मार्च एक्स टू, सर कुछ नए स्टैंडर्ड और अमेंडमेंट इशू हुए हैं मंथ ऑफ मार्च में, ठीक है, बट इट वॉज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल X2, लेकिन सर ये इफेक्टिव है 1 अप्रैल X2 से। देखिए अगर सर कोई इंडेस आ चुका है और वो इफेक्टिव सर नेक्स्ट ईयर से या बाद की किसी डेट पे है, मतलब सर ये है कि इंडेस आ चुका बट अभी वो इफेक्टिव नहीं होता, तो उस केस में हमें क्या करना होता है सर, उस केस में हमें ना एक तो सर फैक्ट डिस्क्लोज करने होते हैं और एक ये बताना होता है सर कि जब इनिशियल एप्लीकेशन होगी इस इंडेस की तो इसका सर इम्पैक्ट क्या आएगा। In accordance with Ind AS 8, what is the provision in this regard when the entity has not applied a new Ind AS that has been issued but is not yet effective? Sir, जो आपका issue हो चुका लेकिन अभी effective नहीं हुआ. Treated as change in accounting policy in subsequent year. Only disclosure of the fact is required. Disclose both this fact and any known or reasonably estimable information relevant to assessing the possible impact that application of the new Ind AS will have on entity financial statement in the period of initial application. Sir, ये आ जाएगा option C. ए कंपनी मेड सम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है, एंड अकाउंटेंट फॉर देम इन फाइनेंशियल ईयर X1 X2, सर एक कंपनी ने क्या किया अकाउंटिंग पॉलिसी में कुछ चेंज किया है, ठीक है जी, और सर उन्हें अकाउंट फॉर किया है X1 X2 में, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट हैज टैक्स इफेक्ट रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर एलोंग विद इफेक्ट ऑन द ट्रांजेक्शन, हाउ विल दिस बी अकाउंटेड फॉर एंड डिस्क्लोज। देखिए सर जो भी टैक्स का इम्पैक्ट है हम वो एज पर इंडेस 12 कैलकुलेट करते हैं, ठीक, और बाकी सर जो भी इफेक्ट है वो एज पर इंडेस 8 कैलकुलेट करते हैं, तो सर ऑप्शन सी आ गया, टैक्स इफेक्ट इन अकॉर्डेंस विद इंडेस 12 एंड ट्रांजेक्शन इफेक्ट इन अकॉर्डेंस विद इंडेस 8, ठीक जी सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज ए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इन अकॉर्डेंस विद इंडेस 8, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर, चेंज इन कंपोजिशन ऑफ द रिपोर्टेबल सेगमेंट, नो, चेंज इन फंक्शनल करेंसी, नो, चेंज इन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, नो, चेंज इन मेजरमेंट मेथड ऑफ इन्वेंटरी, सर ऑप्शन आपका डी आ गया, ठीक जी सर। चले हाँ जी, इन सम केसेस इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग बिटवीन ए चेंज ऑफ एस्टिमेट एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, हाउ शुड द एंटिटी ट्रीट द सेम, सर हम उसे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट मानते हैं, ठीक जी सर। एंटायर चेंज एज ए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, नो, एंटायर चेंज एज ए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट विद अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर, सर ऑप्शन बी आ गया, ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू इंड एस 8 वेन ए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज अप्लाइड आपका रेट्रोस्पेक्टिवली द एंटिटी शैल एडजस्ट, सर अगर आपका रेट्रोस्पेक्टिवली इंपैक्ट है तो एंटिटी क्या एडजस्ट करेगी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ ईच अफेक्टेड कंपोनेंट ऑफ इक्विटी फॉर द अर्लियर पीरियड प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड, बिल्कुल ठीक है, अदर कंपेरेटिव अमाउंट डिस्क्लोज फॉर अर्लीस्ट प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड, नो, अदर कंपेरेटिव अमाउंट डिस्क्लोज फॉर ईच प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड, बिल्कुल सर, एक ये प्रेजेंट करेगी, एक ये प्रेजेंट करेगी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ ईच अफेक्टेड कंपोनेंट ऑफ इक्विटी फॉर ईच पीरियड प्रेजेंटेड, नो, स्टेट विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, सर आपका 1 और 3 की इसमें सर ऑप्शन बी आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, सर आपने बताना इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट का, ए लॉस अलाउंस फॉर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, सर बिल्कुल है, द नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री, बिल्कुल है, द डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस फॉर एन आइटम ऑफ पीपी, सर बिल्कुल है, ए प्रोविजन फॉर वारंटी, सर बिल्कुल है, तो सर ये सारे के सारे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है के एग्जाम्पल है, सर ऑप्शन सी आ गया। चलिए इंड एस 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटिटी कैश इक्विवेलेंट एज डिफाइंड बाय इंड एस 7, सर इंड एस 7 के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक नहीं है, ए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल करेक्टरिस्टिक होती सर आपके कैश इक्विवेलेंट की, मतलब एज पर इंड एस 7 सर इसमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक सर आपकी कैश इक्विवेलेंट की करेक्टरिस्टिक नहीं है, सर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करेक्टरिस्टिक होती है सर कैश इक्विवेलेंट की, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट सर बिल्कुल करेक्टरिस्टिक होती है, एन इन्वेस्टमेंट विच इज रेडली कन्वर्टेबल इंटू नॉन अमाउंट ऑफ कैश, बिल्कुल सर, एन इन्वेस्टमेंट विच इज सब्जेक्ट टू सिग्निफिकेंट सर इनसिग्निफिकेंट रिस्क होता है, ऑप्शन डी, कैश फ्लो इज बेस्ड अपॉन
एक्चुअल बेस ऑफ अकाउंटिंग, नो, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आ जाएगा सर, हाइब्रिड नहीं, कैश बेस आएगा, ठीक जी सर। एज पर इंडिया 7 फॉर नॉन फाइनेंशियल एंटिटी इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, सर अगर नॉन फाइनेंशियल आपका, नॉन फाइनेंशियल सर क्या है, एंटिटी है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में इंटरेस्ट पेड एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड इज क्लासिफाइड एज। देखिए सर, इंटरेस्ट पेड जो है ये आपका बनेगा अगर नॉन फाइनेंशियल एंटिटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड बनेगा सर आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक जी सर। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिस्पेक्टिवली सर, ऑप्शन सी आ गया। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन विल इंक्रीज ड्यू टू सर आपका इंक्रीज इन करंट एसेट, सर डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। देखिए सर, करंट असेट अगर बढ़ेगी तो क्या उससे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन अपना बढ़ जाएगा, सर नहीं। डिक्रीज इन द करंट लाइबिलिटी, नो सर, नाइदर ऑफ टू आ जाएगा। अंडर इनडायरेक्ट मेथड, कैश फ्लो मेथड, प्रॉफिट और लॉस इज एडजस्टेड फॉर द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ ए कैश नेचर, नो। देखिए सर, इनडायरेक्ट मेथड में हम बेसिकली क्या करते हैं सर, हम ये मान के चलते हैं कि जो प्रॉफिट है वो ऑपरेटिंग और कैश एक्टिविटीज है, ऑल नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्टिविटी हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, ठीक जी सर। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट असेट इक्विटी इज एडजस्टेड, नो। प्रॉफिट और लॉस इज एडजस्टेड फॉर द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ नॉन कैश नेचर, बिल्कुल ठीक है। एनी डेफरल और एक्रूअल, पास्ट और फ्यूचर ऑपरेटिंग कैश रिसीव्ड और पेमेंट, बिल्कुल ठीक है सर, ऑप्शन सी आ गया। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट असेट इक्विटी इज एडजस्टेड फॉर द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ नॉन कैश नेचर, यहां पे सर ये कैश नेचर था ना। एनी डेफरल और एक्रूअल और पास्ट और फ्यूचर ऑपरेटिंग कैश रिसीव्ड और पेमेंट, नो। ऑप्शन सी, ठीक जी सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, सर इसमें से बताना आपने इनकरेक्ट कौन सा। इक्विटी इन्वेस्टमेंट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैश इक्विवेलेंट अनलेस दे आर इन सब्सटेंस कैश इक्विवेलेंट, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर एक्वायर्ड विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ देयर मैच्योरिटी एंड विद इन ए स्पेसिफाइड रिडेम्पशन डेट। सर हमें यहाँ पे क्या बताना, सर हमें यहाँ पे इनकरेक्ट बताना, सर ये करेक्ट है। बैंक बोरोइंग आर जनरली कंसिडर्ड टू बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नहीं सर ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है बैंक बोरोइंग। हाँ, बैंक ओडी सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट माना जाएगा, ठीक जी सर। वेयर बैंक ओडी विच आर रिपेबल ऑन डिमांड फ्रॉम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एंटिटी कैश मैनेजमेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट आर इंक्लूडेड इन द कंपोनेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सर ये भी करेक्ट है, नन ऑफ द अबव, सर आपका ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक जी सर। अंडर इंड एस 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी मे बी रिपोर्टेड ऑन ए नेट बेसिस, सर उसमें से नेट बेसिस आ सकता नहीं सर, आ सकता। देखिए सर, जनरली हम क्या करते हैं, ग्रोस बेसिस पर कंसिडर करते हैं। कैश रिसीव एंड पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर व्हेन द कैश फ्लो रिफ्लेक्ट द एक्टिविटी ऑफ द कस्टमर रेदर देन द दोज ऑफ द एंटिटी, सर ये बिल्कुल हम इसे नेट कर सकते हैं। एंटिटी हैज ए लीगली एनफोर्सेबल राइट टू सेट ऑफ द रिकॉग्नाइज अमाउंट, नो सर, कैश फ्लो में हम उसे नेट नहीं कर सकते। सर अगर मान लो हमें किसी से पैसे लेने और किसी को पैसे देने हैं तो सर हम लोग एज ए असेट और लाइबिलिटी सर उसे नेट करके दिखा सकते हैं बैलेंस शीट में सर, प्रोवाइडेड अपने पास सर लीगली एनफोर्सेबल राइट है एंड ऑब्लिगेशन है, मतलब सर एक ही पार्टी से पैसे लेने या देने हैं। और सर सेकंड क्या है कि सर हमारी इंटेंशन उसे नेट सेटल करने की या फिर साइमल्टेनियसली सर क्या है अमाउंट रिसीव हो रहा है अमाउंट पे हो रहा है, लेकिन सर वो हम बैलेंस शीट के रिगार्ड में करते हैं सर, आपका स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के रिगार्ड में नहीं। एंटिटी इंटेंड टू आइदर सेटल द नेट कैश आउटफ्लो ऑन ए नेट बेसिस और टू रियलाइज द कैश इनफ्लो एंड सेटल द लायबिलिटी साइमल्टेनियसली, नो, नन ऑफ द अबव, सर ऑप्शन आपका ए आ गया, ठीक जी सर। एन एंटिटी शैल रिपोर्ट सेपरेटली मेजर क्लास ऑफ नेट कैश रिसीव्ड और नेट कैश पेमेंट एज द केस मे बी अराइजिंग फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सेपरेटली मेजर क्लास ऑफ ग्रोस, यहाँ पे सर नेट लिखा ना तो नो आ जाएगा आंसर, सेल रिपोर्ट ग्रोस कैश रिसीव्ड एंड कैश ग्रोस कैश पेमेंट अराइजिंग फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बिल्कुल ठीक है। कलेक्टिवली मेजर क्लास ऑफ नेट, नहीं सर नेट तो नहीं, कलेक्टिवली मेजर क्लास ऑफ ग्रोस कैश रिसीव्ड एंड ग्रोस कैश पेमेंट अराइजिंग फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सर कलेक्टिवली नहीं सर आपका सेपरेटली आएगा, ठीक जी सर, ऑप्शन आपका बी आ गया। चले जी सर आगे बढ़ते हैं। एन एंटिटी ए के लिमिटेड हैज बैंक बैलेंस इन फॉरेन करेंसी, ठीक है, एग्रीगेटिंग टू यूएसडी 100 इक्वलेंट टू आपको 4500 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, प्रज्यूमिंग नो अदर ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस द एंटिटी रिपोर्टेड ए प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ 100 ऑन अकाउंट ऑफ एक्सचेंज गेन ऑन द बैंक बैलेंस इन द फॉरेन करेंसी एट द एंड ऑफ द ईयर, व्हाट वुड बी द क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज पर द बैलेंस शीट, सर आपका 4500 का अमाउंट आ जाएगा, क्योंकि इसने सर अमाउंट जो पूछा आपसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज पर द बैलेंस शीट पूछा है, तो 4500 आ गया, ठीक चले आगे जी सर। आइए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर X1 X2
एबीसी लिमिटेड हैव पेड वेरियस टैक्स रिप्रोड्यूस द बिलो मेंशन रिकॉर्ड फॉर यूर पर्सुअल। आपने सर कैश फ्लो निकालना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, ठीक जी सर। कैपिटल गेन टैक्स ऑफ 2 crore ऑन सेल ऑफ ऑफिस प्रीमाइसेस एट ए सेल कंसिडरेशन ऑफ 100 crore। सर अगर हम ऑफिस प्रीमाइसेस को बेचेंगे तो सर ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे तो सर वो भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक जी सर। तो 100 inflow 2 outflow। इनकम टैक्स ऑफ 3 crore ऑन बिजनेस प्रॉफिट, सर ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑफ 1 crore ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सर ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इनकम टैक्स रिफंड सर 2 crore है। रिफंड ऑन टैक्स पेड इन अर्लियर पीरियड फॉर बिजनेस प्रॉफिट, सर ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक जी सर। तो सर 98 crore आ गया ऑप्शन सी। आइए इंड एस 113 पे चलते हैं। द मेजरमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ इंड एस 113 अप्लाई टू, सर जो आपका मेजरमेंट रिक्वायरमेंट है इंड एस 113 की वो अप्लाई होगी। शेयर बेस्ड पेमेंट पे नो, लीजिंग ट्रांजेक्शन नो, असेट फॉर विच रिकवरेबल अमाउंट इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इन अकॉर्डिंग विद इंड एस 36, बिल्कुल सर। मेजरमेंट ऑफ नेट रिलेटिव वैल्यू इन IS2, नो। द प्राइस पे टू एक्वायर द असेट, सर हमने एक असेट को एक्वायर किया उसके लिए प्राइस पे किया है, ठीक है। और रिसीव टू एज्यूम द लाइबिलिटी इज कॉल्ड, सर आपका एंट्री प्राइस आ जाएगा। द मार्केट दैट मैक्सिमाइज द अमाउंट दैट वुड बी रिसीव टू सेल द असेट और मिनिमाइज द अमाउंट दैट वुड बी पेड टू ट्रांसफर द लाइबिलिटी आफ्टर टेकिंग इन टू अकाउंट ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज, सर आपका मोस्ट एडवांटेज मार्केट। करेक्टरिस्टिक ऑफ द असेट और लाइबिलिटी आर कंसिडर्ड इफ मार्केट पार्टिसिपेंट वुड टेक दोज करेक्टरिस्टिक इन टू अकाउंट वेन प्राइसिंग द असेट और लाइबिलिटी एट द मेजरमेंट डेट, सच करेक्टरिस्टिक इंक्लूड, सर कंडीशन ऑफ द असेट बिल्कुल ठीक है, लोकेशन ऑफ द असेट बिल्कुल ठीक है सर, रेस्ट्रिक्शन ऑन द सेल और यूज ऑफ द असेट बिल्कुल ठीक है सर। तो डी आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक जी सर। रिविजन रिजल्टिंग फ्रॉम ए चेंज इन वैल्युएशन टेक्निक और इट्स एप्लीकेशन शैल बी अकाउंटेड फॉर एज, सर आपका चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। द असेट और लाइबिलिटी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू शैल बी ए स्टैंड अलोन असेट और लाइबिलिटी ए ग्रुप ऑफ असेट, सर हम आइदर ले सकते हैं सर स्टैंड अलोन के बेस पे या आपका ग्रुप ऑफ असेट के बेस पे, ठीक जी सर। तो ऑप्शन सी आ गया। द हाइएस्ट एंड बेस्ट यूज ऑफ एन नॉन फाइनेंशियल असेट वाइल मेजरिंग द फेयर वैल्यू टेकिंग इन टू अकाउंट द यूज ऑफ द असेट दैट इज फिजिकली पॉसिबल बिल्कुल ठीक है, लीगली परमिसिबल बिल्कुल ठीक है, फाइनेंशियली फिजिबल बिल्कुल ठीक है, सर आपका ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। एज पर इंडेस 113 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाइडली यूज वैल्यूएशन टेक्निक, नेट प्रेजेंट वैल्यू सर इंडेस 113 में नहीं है, आपका कॉस्ट अप्रोच है, इनकम अप्रोच है और सर आपका मार्केट अप्रोच है, ठीक जी सर। ए फेयर वैल्यू एज्यूम दैट द ट्रांजेक्शन टू सेल द एसेट और ट्रांसफर द लाइबिलिटी कीप टेक प्लेस आइदर इन द प्रिंसिपल मार्केट और इन द मोस्ट एडवांटेज मार्केट, ऑप्शन ए आ गया, ठीक जी सर। द बेसिक रूल रिलेटेड टू इनपुट टू वैल्यूएशन टेक्निक एज पर इंडेस 113 आर मैक्सिमाइज द यूज ऑफ द रेलिवेंट ऑब्जर्वेबल इनपुट और मिनिमाइज सर आपका क्या होता है अनऑब्जर्वेबल इनपुट, ठीक जी सर आपका ऑप्शन सी आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अंडर आपका इंड एस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न एजम्पशन, देयर इज फंडामेंटल एजम्पशन दैट द रिपोर्टिंग एंटिटी इज ए गोइंग कंसर्न, बिल्कुल ठीक है। रिपोर्टिंग एंटिटी विल कंटिन्यू टू इन ऑपरेशन फॉर द फॉरसेबल फ्यूचर, बिल्कुल ठीक है सर। इसने फॉल्स पूछा है। देर इज नो नीड टू डिस्क्राइब द बेस इज यूज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ द एंटिटी हैज द इंटेंशन ऑफ लिक्विडेशन, नहीं सर हमें बेस तो बताना पड़ता ना, ऑप्शन सी। इन केस ऑफ लिक्विडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑन ए डिफरेंट बेसिस, बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ जर्नल पर्पज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जर्नल पर्पज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की इसमें से कौन सी लिमिट नहीं है, नोट पूछा उसने, ठीक जी सर। इट कैन नॉट प्रोवाइड ऑल ऑफ द इन्फॉर्मेशन दैट एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर नीड, सर ये लिमिटेशन होती है। द यूजर ऑफ रिपोर्ट नीड टू बी कंसिडर पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्स, सर ये लिमिटेशन होती है। इन्फॉर्मेशन गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी, सर ये लिमिटेशन नहीं होती। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि कंक्रीट इन्फॉर्मेशन होती सर, लेकिन एटलीस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन होती सर जिसके बेस पे सर रिपोर्टिंग एंटिटी का वैल्यूएशन का एस्टिमेट लगाया जा सकता, ठीक। रिपोर्ट आर नॉट प्राइमरली डायरेक्टेड टू अदर पार्टी सच एज रेगुलेटर एंड लेंडर एटसेट्रा, ठीक जी सर। सर ये भी आपका लिमिटेशन होती है। टू बी ए परफेक्टली फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ए डिपिक्शन वुड नॉट हैव द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक, सर कंप्लीट, सर ये करेक्टरिस्टिक होती है। अन इंटेंशनल एरर इज अलाउड,
सर ये करेक्टरिस्टिक नहीं होती, न्यूट्रल फ्री फ्रॉम एरर सर ये आपका करेक्टरिस्टिक होती। ठीक जी सर, चले हाँ जी आइए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन इज इनकरेक्ट, सर आपने बताना है इनकरेक्ट डेफिनेशन कौन सी है। एन असेट इज ए प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल बाई एंटिटी एज ए रिजल्ट ऑफ द पास्ट इवेंट, सर ये करेक्ट है। ए लाइबिलिटी इज ए पास्ट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स एज ए रिजल्ट ऑफ प्रेजेंट इवेंट, नहीं सर आपका सर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है पास्ट इवेंट होता है, सर ये आपका इनकरेक्ट है। एंड इक्विटी इज द रेजुअल इंटरेस्ट इन द असेट ऑफ द एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑफ इट्स लाइबिलिटी, बिल्कुल ठीक है। इनकम इज द इंक्रीज इन असेट्स और डिक्रीज इन लाइबिलिटी दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इन इक्विटी अदर देन दोज रिलेटिंग टू कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम होल्डर ऑफ इक्विटी क्लेम, सर बिल्कुल ठीक है। इनकरेक्ट पूछा उसने ना, इनकम असेट को इंक्रीज कर देगी लाइबिलिटी को डिक्रीज कर देगी दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इन इक्विटी, ठीक है। अदर देन सर जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है होल्डर से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू रिपोर्टिंग पीरियड, सर इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सर आपकी फॉल्स है आपका रिपोर्टिंग पीरियड के रिगार्ड में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, सर बिल्कुल ये आपका करेक्ट है ट्रू है। फॉल्स पूछा उसने ना, इट हेल्प यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू आइडेंटिफाई असेस चेंज एंड ट्रेंड, सर ये भी आपका ट्रू है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन फॉर एटलीस्ट वन प्रीसीडिंग रिपोर्टिंग पीरियड, बिल्कुल ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट प्रोवाइड कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन फॉर मोर देन वन प्रीसीडिंग रिपोर्टिंग पीरियड, सर हम मोर देन वन पीरियड का भी कंपैरिजन करके दिखा सकते हैं, ठीक जी सर। तो ये आपका फॉल्स हो गया, हालांकि हम एज पर इंडेक्स 101 ट्रांजिशन रेट से पहले नहीं जा सकते, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर कंसोलिडेटेड एंड अनकंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर आपने इसमें से फॉल्स बताना है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ बोथ द पेरेंट एंड इट्स सब्सिडियरी एज ए सिंगल रिपोर्टिंग एंटिटी, बिल्कुल ठीक है। अनकंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर डिजाइन टू प्रोवाइड पेरेंट इन्फॉर्मेशन एंड नोट अबाउट दोज ऑफ इट्स सब्सिडियरी, बिल्कुल ठीक है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर डिजाइन टू प्रोवाइड सेपरेट इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सिडियरी, नो सर ये फॉल्स हो गया। ए पेरेंट मे रिक्वायर और चूज टू प्रिपेयर अनकंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एडिशन टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर ये भी आपका ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट कंस्ट्रेंट ऑन यूजफुल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कॉस्ट इज ए परवेसिव कंस्ट्रेंट ऑन द इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सर उसने ट्रू पूछा ये ट्रू है। आईएएस भी कंसिडर कॉस्ट एंड बेनिफिट इन इंडिविजुअल रिपोर्टिंग एंटिटी ओनली, नो। फॉर एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट कंस्ट्रेंट नो असेसमेंट ऑफ बेनिफिट ऑफ रिपोर्टिंग इज डन, सर असेसमेंट होता है बेनिफिट का। यूजर डू नॉट इनकर एनी कॉस्ट इन रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, नो सर उसने ट्रू पूछा था तो ऑप्शन आपका ए आ गया, ठीक जी सर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द रिपोर्टिंग एंटिटी, सर इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है विद रिस्पेक्ट टू रिपोर्टिंग एंटिटी। ए रिपोर्टिंग एंटिटी हैज टू ए सिंगल एंटिटी ओनली एंड इट कैन नॉट कंप्राइज मोर देन वन एंटिटी, नहीं सर कंसोलिडेशन में सर क्या होता है सर मोर देन वन एंटिटी भी एक सिंगल एंटिटी मानी जाती है। ए रिपोर्टिंग एंटिटी इज एन एंटिटी दैट इज रिक्वायर्ड और चूज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर उसने पूछा ट्रू कौन सा है, सर ये आ गया रिपोर्टिंग एंटिटी सर जो है एक ऐसी एंटिटी जिसकी सर रिक्वायरमेंट होती है और उसे सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, ठीक जी सर। इफ रिपोर्टिंग एंटिटी इज द पेरेंट अलोन, अगर सर रिपोर्टिंग एंटिटी अकेली पेरेंट है द रिपोर्टिंग एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रेफर टू एज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं सर आपका सब्सिडरी उसमें इंक्लूड होंगी ना। इफ टू और मोर एंटिटी आर लिंक्ड बाई ए पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप दे आर रेफर टू एज ए कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नो इसने ट्रू पूछा था ना, हाँ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू कंट्रोल एन एंटिटी कंट्रोल एन इकोनॉमिक रिसोर्स इट हैज द प्रेजेंट एबिलिटी टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्स, बिल्कुल ठीक है। इट ऑब्टेन द इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम बेनिफिट दैट मे फ्लो फ्रॉम इट, बिल्कुल ठीक है। इफ वन पार्टी कंट्रोल एन इकोनॉमिक रिसोर्स अदर पार्टी मे ऑल्सो कंट्रोल, नहीं सर कंट्रोल एक ही एंटिटी के पास होता है, ठीक जी सर। कंट्रोल ऑफ एन इकोनॉमिक रिसोर्स यूजली अराइज फ्रॉम एन एबिलिटी टू एनफोर्स लीगल राइट, सर आपका फॉल्स आ गया। सी द यूजफुलनेस ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज एनहांस्ड बाई इट इज, सर कंपेरेबल हो वेरीफेबल हो टाइमली एंड अंडरस्टैंडेबल हो, कंपेरेबल है वेरीफेबल है परफेक्ट है नो, कंपेरेबल है वेरीफेबल है टाइमली एंड ऑब्जेक्टिव है नो, इफेक्टिव है नो, कंपेरेबल है वेरीफेबल है टाइमली एंड अंडरस्टैंडेबल है, ठीक ऑप्शन आपका डी आ गया। चले आगे जी सर आइए आगे बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट चैप्टर है प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी ऑफ ए अकाउंटेंट।
व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन रिलेशन टू प्रेशर टू ब्रीच द फंडामेंटल प्रिंसिपल? सर, इवैल्यूएट द लेवल ऑफ थ्रेट एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन. आपका ऑप्शन डी आ गया. व्हाट इज स्टैंड्स फॉर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? सर, कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट में सर हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ठीक है, प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट के केस में ना. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आर एक्सेप्टेबल? नो. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी डिस्क्लोज? नो. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट. विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड इफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइजेज प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट? सर, आपका ऑब्जेक्टिविटी. विच प्रिंसिपल एम्फेसिस बींग स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड होनेस्ट इन प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप? सर, आपका इंटीग्रिटी. व्हाट शुड ए चार्टर्ड अकाउंटेंट डू टू कंप्लाई विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर? सर, आपका रेलिवेंट लॉ एंड रेगुलेशन वो फॉलो करेगा. डिसक्रेडिट? नो. प्रमोट पर्सनल इंटरेस्ट? नो. एंगेज इन कंडक्ट दैट मे कॉम्प्रोमाइज बिजनेस रिलेशनशिप? नो. सर, आपका ऑप्शन बी आ गया. ठीक जी सर, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट चैप्टर सर आपका टेक्नोलॉजी एंड अकाउंटिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्ड क्लाउड कंप्यूटिंग? सर, आपने बताना है क्लाउड कंप्यूटिंग में इसमें से कौन से स्टेटमेंट सर आपके बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है उसको. ठीक. द यूज ऑफ फिजिकल सर्वर लोकेटेड इन कंपनी प्रीमाइसिस टू स्टोर एंड प्रोसेस डाटा? नो सर. द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसिंग ओवर द इंटरनेट? बिल्कुल ठीक है सर, ओवर द इंटरनेट होता है. अलाउिंग एक्सेस टू डेटा एंड सॉफ्टवेयर फ्रॉम एनी डिवाइस विद एन इंटरनेट कनेक्शन? बिल्कुल ठीक है. हाउ डू ERP सिस्टम वर्क? सर, ERP सिस्टम वर्क कैसे करेगा? बाय यूजिंग डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर फॉर ईच डिपार्टमेंट टू एनश्योर डाटा सिक्योरिटी? नो. बाय इंटीग्रेटिंग मल्टीपल बिजनेस सिस्टम फ्रॉम वेरियस वेंडर? नो. बाय प्रोवाइडिंग रियल टाइम डेटा? ये सर, रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करेगा टू हेल्प मैनेजर कंपेयर परफॉर्मेंस अक्रॉस डिफरेंट लोकेशन. ठीक जी सर, चलिए आगे बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब AI? द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन अनेबलिंग देम टू परफॉर्म टास्क दैट वुड टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटरवेंशन? सर, ऑप्शन ए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ ऑटोमेशन प्रोसेस? सर, इसमें से कौन सा ऑटोमेशन प्रोसेस का बेनिफिट नहीं है? स्ट्रीमलाइनिंग डेटा एंट्री? सर, यह बेनिफिट है. एनहांसिंग एक्यूरेसी इन अकाउंटिंग प्रोसेस? सर, यह बेनिफिट है. इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ ह्यूमन एरर? सर, यह आपका बेनिफिट नहीं है. सेविंग टाइम एंड रिसोर्स? सर, यह आपका बेनिफिट है. ऑटोमेशन प्रोसेस एड इन कंप्लाइंस बाई इंट्रोड्यूसिंग इन एक्यूरेसी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिस जनरेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट डोंट मीट स्टैंडर्ड स्ट्रीमलाइनिंग डेटा एंट्री फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट? सर, ये आपका ऑटोमेशन प्रोसेस हेल्प करता है. ठीक जी सर. इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस एंड पेनल्टी? सर, ऑप्शन सी आ गया. व्हाट इज द पर्पज ऑफ एम्प्लॉई ट्रेनिंग इन मिटिगेटिंग साइबर सिक्योरिटी रिस्क टू एंश्योर दैट ऑल स्टाफ मेंबर आर अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी? बिल्कुल ठीक है. टू मेक एम्प्लॉई रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड टू लिमिट एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा टू ए फ्यू सेलेक्ट इंडिविजुअल टू एलिमिनेट द नीड फॉर डेटा बैकअप? सर, आपका ऑप्शन ए है. चले जी सर, आइए. AA लिमिटेड इज ए पब्लिक सेक्टर एंटिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? सर, AA लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर एंटिटी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एंड इज इन द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वारशिप. द कॉन्ट्रैक्ट आर अवार्डेड ऑन फिक्स प्राइस बेसिस एक्सेप्ट सर्टेन वेरिएबल कंपोनेंट सच एज फॉरेन एक्सचेंज वेरिएशन एंड कॉस्ट ऑफ स्पेयर एटसेट्रा. द पेमेंट फॉर द फिक्स प्राइस पार्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लीशन ऑफ माइलस्टोन. द पेमेंट फॉर वेरिएबल कंपोनेंट इज बेस्ड ऑन एक्चुअल कॉस्ट टू द CPR. ठीक है. द पेमेंट टर्म फॉर द फिक्स प्राइस पोर्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर जनरली स्प्रेड ओवर 10-12 माइलस्टोन स्टार्टिंग विद इनिशियल पेमेंट ऑफ 10% ऑन द साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. एज द गेस्टेशन पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द सी बिल्डिंग इज लॉन्गर इट सो हैपन दैट ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड व्हेन फंड्स आर मेड अवेलेबल at times become temporary surplus fund which are
deployed in short-term fixed deposit. ठीक है. However, in later part of the execution of the contract, the cost incurred on the project exceed the stage payment received on the vessel, leading to a negative cash flow. एक स्टेज के बाद सर आपका नेगेटिव कैश फ्लो आ जाते हैं. ठीक. फर्दर द लास्ट स्टेज पेमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इज डेफर्ड टिल वन ईयर आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द वेसल. दस द इंटरेस्ट अर्न इनिशियली ऑन द टेम्पररी सरप्लस कंपनसेट टू सर्टेन एक्सटेंड फॉर द पीरियड टू डेफिसिट कैश फ्लो. ठीक है. स्पेशली एट द लेटर पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट. एरिया नंबर वन टू चेक प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न ऑन डिपॉजिट. देखिए सर, अगर हम सरप्लस फंड को इन्वेस्ट करते हैं और उससे इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, तो चाहे सर बाद में अपने पास ना, क्योंकि पेमेंट यहाँ पे डिले हो रही है इस वजह से नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है, तो उसका हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे सर? उसे हम एज ए अदर इनकम में प्रेजेंट करेंगे. ऑप्शन नहीं आ गया. ठीक. एन एसेट हैड कैरिंग वैल्यू ऑफ 10 लाख एज ऑन 1 अप्रैल x1. इट वॉज रिवैल्यूड 11 लाख. ठीक है. एज ऑन 31 मार्च x2 बाई क्रेडिटिंग इंक्रीज 1 लाख टू रिवैल्यूशन सरप्लस. ठीक है. लेटर इज वॉज सोल्ड फॉर 1250. सर बाद में से 1250 बेच दिया, तो यहाँ पे सर 11 लाख आपका कैरिंग अमाउंट आ रहा होगा. 150 का सर गेन हम क्या करेंगे, पेनल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे. हाँ, जो रिवेल्यूशन सरप्लस का बैलेंस उसे रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करते हैं. ठीक. द अमाउंट ऑफ टू बी टेकन इन टू रिटेन अर्निंग. रिटेन अर्निंग में कितना अमाउंट जाएगा सर? आपका 1 लाख का अमाउंट जाएगा सर. ये जो आपका रिवेल्यूशन सरप्लस का बैलेंस है. ठीक जी सर. ये सर जो डिफरेंस है, ये आपका पी एंड एल अकाउंट में जाएगा, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट रिटेन अर्निंग में है, तो सर जो रिवेल्यूशन सरप्लस का बैलेंस है वो आपका रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हो जाएगा. ठीक जी सर. चलिए लास्ट चैप्टर में चलते हैं. कंपनी एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड वाज हैविंग इट्स नेटवर्थ 230 करोड़ एज ऑन 31 मार्च 2020. सर कंपनी एक्स वाई जेड जो प्राइवेट लिमिटेड है उसकी नेटवर्थ 230 करोड़ थी. कब? 31 मार्च 2020 को. इट मेड ए प्रॉफिट ऑफ 30 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2021. तो सर आपकी जो नेटवर्थ है 260 करोड़ होगी. कब? आपका 31 मार्च 2021 पे. तो 1 अप्रैल 2021 से सर उसके ऊपर इंडेक्स की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि नेटवर्थ सर 250 करोड़ क्रॉस कर गई. एंड मेड ए लॉस ऑफ 15 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22. सर अगर बाद में लॉस भी हो जाता है, नेटवर्थ रिड्यूस भी हो जाती है, तो भी सर एक बार अगर इंडिया की एप्लीकेबिलिटी आ गई तो सर हम उससे बाहर नहीं आ सकते. ठीक. फ्रॉम विच डेट इट इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई इंडिया? सर 1 अप्रैल 2021. ऑप्शन आपका बी आ गया. ठीक जी सर. फॉर प्रिपेयरिंग इंडिया बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद ट्रांजिशन डेट 1 अप्रैल x5, वट ऑल गाइडेंस नीड टू बी रेफर्ड बाई ए लिमिटेड? इंडिया 1 बिल्कुल सर अप्लाई करना पड़ेगा. डिवीजन 2 ऑफ द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट बिल्कुल अप्लाई करना पड़ेगा. गाइडेंस नोट ऑन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड बाय आईसीआई बिल्कुल अप्लाई करना पड़ेगा. ऑप्शन डी आ गया सर. ऑल ऑफ द अबव. इंडिया 103 कंटेन एडिशनल गाइडेंस ऑन कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन विच इज नॉट देर इन IFRS 3. हाउ दिस कैन बी टर्म? सर आपका कार्बन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडिया इन इंडिया? सर इंडेस को इंप्लीमेंट करने का इंडिया में क्या बेनिफिट है? इंक्रीज इन नेट प्रॉफिटेबिलिटी? नहीं. मिनिमाइज्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट? नहीं सर, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट तो बढ़ जाती. एक्सेस टू डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट? नो. ग्लोबल हार्मोनाइजेशन हेल्प ग्रो FII और आपका सर FDI इंटरेस्ट? सर ऑप्शन डी आ गया. कंट्री एक्स हैज टेकन अप्रोच फॉर इंप्लीमेंटिंग ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इट्स कंट्री with some significant change in line with their national economic policy. This would be termed as, sir, आपका coverage with global accounting standard आ जाएगा. ठीक. adoption नहीं आएगा सर. Company ABC Insurance Private Limited is engaged in the business of insurance and is having a net worth of 1000 crore as on 31st March 17. From which financial year it is required to comply Ind AS? sir, अभी तक notification इसके ऊपर नहीं आई है सर. मतलब अभी तक Ind AS इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं है. ठीक. पहले नोटिफिकेशन आई थी तो उसे पोस्टपोन कर दिया, फिर से पोस्टपोन कर दिया, फिर सर विड्रॉ कर लिया. ए लिमिटेड इज फॉलोइंग इंडिया, मतलब आज के दिन सर इंडिया सर इंश्योरेंस कंपनी और बैंकिंग पे अप्लाई नहीं है. ए लिमिटेड इज फॉलोइंग इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द ईयर एंडेड 31st March x4. ठीक है. वट ऑल पीरियड बैलेंस शीट टू बी कवर्ड इन इट्स फर्स्ट इंडिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट? सर देखिए, ए लिमिटेड सर इंडेस फॉलो करी फर्स्ट टाइम सर कब? 31st March x4 को. तो सर उसे क्या करना पड़ेगा? 31st March x4 को सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी एज पर इंडेस x3 को, और सर 1 अप्रैल आपका x2 को ट्रांजिशन डेट पर. ठीक जी सर. तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा. चलिए इसी के साथ सर जितने भी आपके बोर्ड ऑफ स्टडी के पोर्टल पर सर MCQ थे सारे समाप्त होते हैं. ये जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी.
मैं इसी चैनल पे ना सी ए फाइनल एफ आर के लिए ना बहुत प्यारी प्यारी कंटेंट वाली वीडियो लेके आने वाला हूँ। आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।